Welcome to Fill Up Form. Good morning to all. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारे कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, वीवाई के विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि पूजा 10 कोड यूज करें, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग ललिता जी, दीप महाराज जी, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, दीप महाराज जी, अभी स्टार्ट किया। मेरे को डबल डबल मैसेज आ रहे हैं सारे। आपने एक बार कुछ कहा है ना, तो मेरे को डबल डबल टाइम यहाँ पर दिख रहा है। अभी अभी स्टार्ट किया और 9 बजे आपकी क्लास शेड्यूल करी थी, ठीक है। और फिर थोड़ा सा 10 मिनट मैं लेट हो गई और 6-7 मिनट ये लैपटॉप चेंज जो है वो लेट हो गया। ठीक है, चलो। और कैसे हैं आप लोग? मन तो नहीं था कि आज छुट्टी हो जाए तो ठीक है, क्लास लेने का मन था ना? बढ़िया बढ़िया ललिता जी। एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि आज क्लास ऑफ ही कर दी जाए, लेकिन अभी हमारे पास अक्टूबर ही है, ठीक है। तो अभी आपको इस मंथ आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ में आप थोड़े से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा और आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया टाइम जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए इस मंथ आपको थोड़ा जोरों शोरों से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आईपीसी क्या आज? आईपीसी आज ही खत्म कर देनी है? चलो चलो, हम फर्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी, जनरल प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो जनरली आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्राइम होता क्या है। क्राइम वो चीज होती है जो कि ह्यूमन जो कि आपकी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होती है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होती है, उसे हम क्राइम कहते हैं, ठीक है। और एक पर्सन कन्विक्टेड, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम हैज अ कंटेन क्रिमिनल लाइबिलिटी। एक पर्सन, ठीक है, जिसको आज खत्म नहीं होगी। आज कैसे खत्म हो जाएगी? आपके ये जो आईपीसी है ना, इसमें अलग अलग से टॉपिक टॉपिक बताएंगे, लेकिन टॉपिक में जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट को अच्छे से आती भी है ना। आईपीसी अच्छा सब्जेक्ट है जो कि हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होता है ना, तो देखते हैं कितना हम रहता है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद जी नहीं आए, बाकी सब, और अभिजीत, ललिता जी, दीपमाला जी, यहाँ 3 ही दिख रहे हैं, बाकी कहाँ? रेखा जी कहाँ पर है? और मोहम्मद जी, अभिजीत जी, आईपीसी नहीं, आईपीसी नहीं, लॉ ऑफ क्राइम है, ठीक है। ये तो हम बोलते हैं क्योंकि हम लॉ ऑफ क्राइम है, तो सबसे पहले क्या है कि क्राइम क्या होता है, ठीक है। हाँ मैम, आज संडे। हाँ, संडे, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो सुनो सुनो ललिता जी,
हमारा जो यूनिट है वो क्या है, लॉ ऑफ क्राइम। ठीक है, तो क्राइम होता क्या है, ये जनरल प्रिंसिपल हम देखेंगे, क्या कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटीज रहती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वन बाय वन, जैसे एक्टस रिया क्या है, मेंस रिया क्या है, जो कि क्राइम को करने के लिए, ठीक है, जरूरी होता है। ठीक है, ये एसेंशियल डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जो प्रोविजन है आपका, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये सब जो है वो आईपीसी से ही उठाए गए, जितने भी सेक्शन है वो इसमें है। ठीक है, वैसे तो हम आईपीसी को ही बीच में पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ आईपीसी का नाम न लेते हुए जो है वो लॉ ऑफ क्राइम ये यूनिट बनाया गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग अभिजीत जी। चलो, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्राइम होता क्या है। क्राइम ऑफन टेक प्लेस अगेंस्ट, विच आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि क्राइम वो होता है जो, मतलब आप कुछ भी काम करो, ठीक है, यदि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है तो उसे हम क्राइम ही कहते हैं, है ना। कोई पर्सन किसी का मर्डर कर रहा है तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ना, कि कोई पर्सन कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। रेखा जी गुड मॉर्निंग, अभी मोहम्मद जी आ जाएं, शालू जी आ जाएं, शिल्पा जी आ जाएं, फिर हमारी पूरी क्लास, जितने भी लाइव स्टूडेंट रहते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाएंगे वो भी, तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। कर दिया है ललिता जी, ठीक है, कर दिया है। हाँ, जी कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो क्राइम होता क्या है, जो कि अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी रहता है, ह्यूमैनिटी होता है, उस सबको हम क्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चोरी करना, ठीक है, जैसे कि हमने जुरिस्प्रूडेंस में क्या देखा था कि मोरालिटी और आपके ये कुछ एक क्राइम होते हैं, ऑफेंस और मोरालिटी होती क्या है। तो क्राइम एंड मोरालिटी क्या होती है, एक चीज जो कि मोरालिटी के भी खिलाफ है उसको भी हम क्राइम कहते हैं, उसको भी हम ऑफेंस कहते हैं। कुछ एक चीज जो है वो मोरालिटी के खिलाफ नहीं है तो हम उसको जो है वो ऑफेंस नहीं कहते। ठीक है, तो इसी तरह से एक पर्सन जब कन्विक्ट होता है किसी भी क्राइम को करने के लिए, उसकी सर्टेन कुछ एक क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, कि उसको वो क्रिमिनल लाइबिलिटी चुकानी पड़ती है। देखो, एक पर्सन किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसकी जो भी पर्सन है जिसकी दोष सिद्धि हुई है, जिसको कन्विक्ट किया गया, इट मींस कि उसको दोष करार कर दिया कि इस पर्सन ने दोष जो किया, मतलब ऑफेंस जो है वो किया है। ठीक है, एक पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कि उसको सजा मिल गई, उसकी कोई ना कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती होगी ना, तभी तो उसको जो है वो सजा मिली। तो हमारे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक्टस रिया होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जब हम डिसाइड करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी है या नहीं। ठीक है, फिर आपका क्राइम, ठीक है, बोले देयर आर लॉट ऑफ इवल्स है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, वैसे ही हम क्या कहते हैं कि हाँ, ये एसेंशियल्स ऑफ क्राइम है। हम क्या देख रहे हैं, आपका जर्नल प्रिंसिपल, ठीक है, आपके एसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है, ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, कोई सॉरी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कोई ना कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग होगा तब वही तो उसके भी माइंड में आएगा, उसकी इंटेंशन होगी, तभी तो वो एक्ट करेगा, उसी के बाद क्या होगा आपका क्राइम होगा। साथ साथ कंप्लीशन भी होनी चाहिए, तभी तो क्राइम होगा, जैसे कि वो फिर अटेम्प्ट ऑफ क्राइम हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो क्राइम क्या है, तो हमें देखने को कई बार मिलता है कि लॉट ऑफ इवल्स है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, और उनमें से वन वन अमंग देम इज अ क्राइम। ठीक है, उनमें से एक क्या है, अपराध है। ठीक है, जैसे कि इवल्स, लॉट ऑफ इवल्स इन सोसाइटी की बात करें तो किसी चीज का, जैसे कि कुछ भी बुराई हो सकती है, कोई पर्सन गाली निकाल रहा है तो वो भी तो इवल ही है ना, वो भी गलत चीज है, बहुत सारी बुराई है, तो बोला है कि उनमें से एक क्या है, क्राइम भी है। देर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम, उसकी कोई भी आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है क्राइम की। हाउएवर, हम बात करते हैं सर्टन एक्ट, कुछ
कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप कुछ एक ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे पर्सन को हार्म हो, ठीक है, हार्म द पीपल एंड डिस्टर्ब हो पीस एंड ट्रिंक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तब हम इसको कहते हैं कि क्या है, क्राइम किया, इस पर्सन ने क्या करा, क्राइम किया है, ठीक है। और द पर्सन हु कमिट क्राइम, जो पर्सन कमिट करता है क्राइम, एज पनिश्ड एज पर द लॉ, और उसको पनिशमेंट मिलती है एज पर लॉ, ठीक है। सच एक्टिविटी डू नॉट रिपीट इन अ फ्यूचर, ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है, पर्पस क्या है इन पनिशमेंट देने का, ताकि जो भी पर्सन इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं तो वो रुक जाए कि भैया फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, उसको डर हो जाए कि हम फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस ऑफेंस के लिए लगभग जैसे मर्डर ही किया है किसी ने, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको 20 ईयर की जो है वो पनिशमेंट मिली है। वो हो सकता है कि उसने जब मर्डर किया था तो वो 20 साल का था, 20 साल के बाद छूट कर आया तो वो 40 साल का था, ठीक है। जिंदगी अभी भी तो बची है ना, जितनी बची है तो उसको अच्छे से जी लेता, जरूरी है कोई क्राइम करना, है ना। तो बोले कि इन जनरल हम बात करें, फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसीडर एज अ क्राइम, इनमें से हम इन जनरल में बात करें तो कुछ एक्ट है उनको कंसीडर किया जाता है क्राइम, जैसे कि अटैक ऑन अ पब्लिक ऑर्डर, अब्यूज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉजिंग इंजरी टू द पब्लिक, अटैकिंग इंडिविजुअल, ठीक है, और अटैक अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, सर्टेन राइट, ये सब, और अदर टाइप जितने भी आपको जो भी चीज जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मॉरलिटी के खिलाफ है, कुछ एक क्राइम को, मतलब कुछ एक ऐसी चीजें होती है ना जो मॉरलिटी के खिलाफ है, उसको भी हम जो है वो क्या मानते हैं, क्राइम मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे हैं, जैसे बात करें कि लिव इन रिलेशनशिप, ये आपका मोरालिटी के खिलाफ तो है लेकिन ये लीगल है, मतलब इसके लिए पनिशमेंट थोड़ी ना मिलती है किसी को, है ना। और आप देखो कि चोरी करना मोरालिटी के भी खिलाफ है, एक पर्सन ठीक है कि बात करें कि एक पर्सन कोई चोरी कर रहा तो ये मोरालिटी के भी खिलाफ है और उसकी पनिशमेंट भी है, ठीक है। अब द क्राइम कैन बी डुअल नेचर, क्राइम जो है वो डुअल नेचर के होते हैं, सिविल क्राइम भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं, ठीक है। सिविल क्राइम का क्या मतलब है कि कुछ एक बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन मान कहाँ रहे, लोग क्राइम पे क्राइम कर रहे हैं। देखो कि अभी ना प्रैक्टिकली बात करें तो क्राइम ना पहले भी बहुत होते थे, हाँ, कि अब जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग थोड़े एडवांस हो गए, है ना। जब लोग मॉरल हो जाए तो क्राइम हो गए, हाँ, ये बात भी है कि जब ना आप में नैतिकता आ जाती है, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने अपनी फैमिली के कुछ संस्कार होते हैं, जैसे कि आपको किस तरह से रहना है, आपको क्या कुछ चीज गलत बात किसी को नहीं कहनी, ये हमारे संस्कार होते हैं और ये हमारी मोरालिटी होती है, और किसी को आप बुरा नहीं कहेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चोरी करना गलत बात है, ठगी करना गलत बात है, ठीक है, किसी की वार्ड मतलब किसी को इंजरी पहुंचाना गलत बात है, किसी के जैसे कि और भी काफी तरह की चीजें हैं, क्योंकि मोरालिटी में मतलब मोरल एक इंसान जो है ना मॉरल तरीके से रहे तो वो क्राइम नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर भी तो काफी ज्यादा चीजें जो है सुधर जाएंगी। अब देखो, आपने देखा होगा ना कि मंदिर भगवान जी का दरबार माना जाता है, सब लोग जाते हैं, ठीक है। तो वहां आपने अभी अभी एट प्रेजेंट में देखा होगा, पता नहीं पहले भी ऐसा था कि नहीं था, वो मैं नहीं जानती, लेकिन अब वो भगवान का दरबार है, सब लोग जाते हैं, ठीक है, सब लोग जाते हैं। तो फिर क्यों, अब क्या होता है ना, वीआईपी पास बनाए होते हैं लोगों ने, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा हरे नोट दे दो उनका टर्न पहले आ जाएगा, यदि नहीं दिए तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह के आप भगवान के नाम पर भी आप जो है चीटिंग कर रहे हो। अब मोरलिटी कुछ रही नहीं है वैसे देखा जाए तो, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो सब चीजें जो है वो ऐसे ही हो गई हैं कि आप भगवान के दरबार जा रहे हो, फिर भी आप जो है वो इस तरह से मतलब
जो पर्सन वहां जॉब ही कर रहा है, अब देखो कि मंदिर वगैरह होते हैं ना, ये ट्रस्टेड मंदिर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी होते हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा भी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो जो इधर से लोगों को आगे पीछे करके, जैसे कोई कि कोई बहुत पीछे चला हुआ, ठीक है, थोड़ा सा धर्म के नाम पर, हाँ, तो और क्राइम हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कोई इंसान है जो काफी ज्यादा लंबी लाइन में पीछे लगा था, उसने थोड़ा सा, चलो 1,000 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, चलो आपको पहले पहुंचा देते हैं। तो जब इंसान को वहां जॉब लगी है, ठीक है, और जो भी वो काम करता है, अब मंदिर में ट्रस्टेड मंदिर होते हैं और उनको सैलरी वहां पर लगी होती है, और कुछ एक की बात करें तो ज्यादातर जितने भी धाम रहते हैं वो गवर्नमेंट ही मंदिर होते हैं, ठीक है, तो उनको बढ़िया सैलरी मिलती है, चाहे पुजारी हैं, चाहे इवन की पेयन होते हैं, उनको भी अच्छी खासी सैलरियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये मोरालिटी के खिलाफ ही तो है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट, अ क्राइम कैन बी अगेंस्ट अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, क्राइम क्या होते हैं कि अगेंस्ट अ ह्यूमन बॉडी होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, रिलीजन होते हैं, मतलब आप किसी के रिलीजियस फेथ को हर्ट कर रहे हो, या धर्म के नाम पर आप कोई जो है वो क्राइम कर रहे हो, तो ये सब रिलीजन को बिलोंग करते हैं। एंड फैमिली मॉरल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अपोज टू द पब्लिक सोसाइटी हो, एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि आप जो है वो जो समाज के संसाधनों के संरक्षण के खिलाफ जो है वो कोई ऐसा क्राइम करे। अब बात करें डेफिनेशन, हाँ, धर्म के नाम पर और ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, बिल्कुल वर्जेश जी, और जी मैम, अब तो फैमिली मेंबर में भी मोरालिटी नहीं रही है, हाँ, बस प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ, और मोरालिटी, पता है कहते हैं ना कि एक पेरेंट्स का सपना होता है, जैसे कि अभी हम लोग अपनी अपनी फैमिलीज को जानते हैं कि कोई कितनी, अभी सब लोग जो है वो ज्यादातर जो इस टाइम सबसे ज्यादा पिसते हैं कौन, मिडिल क्लास लोग, है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो कहीं तक पहुंच जाते हैं ना, तो बाद में अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं, बल्कि गांव का जीवन इस मामले में थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा बुरी हालत है इस चीज की, है ना। इस तरह की, इस कारण अभी जो है वो मोरालिटी फैमिलीज में भी खत्म हो रही है, प्रॉपर्टी कोई लेकर नहीं, लोगों में ये हो गया है कि आजकल इन्हीं जो लोग कमा रहे हैं वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो उनको ये है कि हम लोग खरीद लेंगे, ठीक है, और घर बार छोड़ दे रहे हैं पेरेंट्स। अब हमारे यहाँ ना, जैसे गांव, चलो गांव की दुनिया थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब शहरों के मुकाबले, हाँ, रिसोर्सेस की कमी रहती है कि रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, अच्छे रिसोर्सेस जैसे कि अच्छी एजुकेशन, शहरों के मुकाबले वैसा नहीं हो पाता फैसिलिटीज, लेकिन जो ये मोरालिटी वाली चीजें, ये थोड़ा सा कम जो है वो बिगड़ती हुई दिखती है गांव में, तो गांव में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ एक फैमिली है ना, जहाँ की सारी सारी जैसे आगे वाली जनरेशन है, तीन बेटे हैं, तीनों ही फॉरेन में सेटल हैं, और यहाँ कोई भी नहीं, या तो जो बूढ़े माँ बाप है वो है, या तो एक चला बसा है तो एक ही है, ठीक है, तो फिर वो लोगों को जॉब पर रख रहे हैं कि आओ हमारे लिए खाना बना जाओ, तो फिर उसका फायदा ही नहीं होता, है ना। तो आपको ये कि जो भी आप बन जाओ तो परिवार को लेके चलो, चलो ठीक है, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए, 8 स्टूडेंट हो गए, चल अब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, चल। डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, सर विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा है आपका, क्राइम इज एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जो कि कमिटेड और ओमिटेड इन अ वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग एंड कमांडिंग इट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि जो क्राइम क्या है, क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जो कि कमिट किया जाता है और ओमिट किया जाता है। ओमिट का क्या मतलब होता है, जहां पर आपको किसी चीज को करने के लिए मनाही की, जो कि मनाही करी है वो होता है क्राइम, और कमिटेड, ठीक है, और ओमिटेड होता है जब आपकी लाइबिलिटी बनती थी लेकिन आपने नहीं किया, ठीक है। तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि कमिट किया जा रहा है, ओमिट किया रहा है, इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, ठीक है, उसे हम क्राइम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्जन स्टीफन, ठीक है।
ठीक है, क्राइम इज अ वॉयलेशन ऑफ राइट, ठीक है, एक क्राइम क्या है, वॉयलेशन ऑफ राइट है, कंसिडर इन रेफरेंस टू द सिविल टेंडेंसी ऑफ द वॉयलेशन एज रिगार्ड द कम्युनिटी, ठीक है, जिसे समुदाय के संबंध में उल्लंघन की जो लॉ अगेंस्ट कोई एक्ट किया है वो क्राइम है, और लॉ हाँ लॉ के अगेंस्ट आगे किसी ने एक्ट किया है वो क्राइम है, ठीक है, और ओमिट किया है वो भी आपका क्राइम है, ठीक है, और क्राइम क्या है आपका, वॉयलेशन ऑफ राइट है, जिस कंसीडर इन रेफरेंस टू द सिविल टेंडेंसी और वॉयलेशन एज ए रिगार्ड द कम्युनिटी, ठीक है, कि जैसे समुदाय के संबंध में, और आज यही वाली क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, कल भी यही वाली क्लास होगी, ठीक है, एक दो दिन शेड्यूल बना लेती हूँ मैं बाकी चीजों का भी, ठीक है, फिर आपके अच्छे से जो है वो 27-28 दिन अच्छे से जो है वो आपकी मुरम्मत की जाएगी, ठीक है, सॉरी फॉर दीज वर्ड, बट ये है कि आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस के मामले में भी टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जॉन गिलिन, ठीक है, इनके अनुसार एक ऐसा एक्ट दैट हैज शोन टू बी एक्चुअली हार्मफुल, एक ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जो कि आप शो हो रहा है कि वो एक्चुअली हार्मफुल है टू द सोसाइटी के लिए, और दैट इज बिलीव्ड टू बी सोशली हार्मफुल और बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो कि सोशली हार्मफुल है उन ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और दैट हैज पावर टू इन्फोर्स इट्स बिलीव, ठीक है, एंड सच दैट प्लेसेस सच एन एक्ट अंडर द बैन ऑफ अ पॉजिटिव पेनल्टीज, यहाँ पर बोला कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि वास्तव में समाज के लिए हानिकारक साबित हुआ है, जो कि उन समाज में रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है, और जिसके पास अपनी मान्यताओं को लागू करने की शक्ति है, जो हर तरह के कार्य को सकारात्मक दंड के प्रतिबंध के तहत जो है वो रखता है, ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, तो क्राइम क्या है, SW कीटन के अनुसार अ क्राइम टुडे वुड सीम टू बी एनी डिजायरेबल एक्ट एंड विच द स्टेट फाइंड मोस्ट कन्वीनियंट टू करेक्ट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द इन्फ्लिक्शन ऑफ पेनल्टी एंड इंस्टेड ऑफ लिविंग द लिविंग द रेमेडी टू द डिस्क्रिएशन ऑफ द सम इंजर्ड पर्सन, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा आंखों में दर्द होने लग पड़ा मेरे अभी, ठीक है, तो किटन के अनुसार क्या है, आज एक अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य प्रतीत होता है जिसे राज्य को किसी घायल व्यक्ति के विवेक पर उपाय करने के बजाय जो है जुर्माना लगाने के लिए आगे बढ़ाने की संस्था, मतलब कुछ एक ऑफेंसेस में जो है वो आपको पेनल्टी देने के बजाय जो है वो कुछ एक रेमेडीज भी दी गई है जो कि इंजर्ड पर्सन को ठीक है जो कि संस्था द्वारा सही करना जो है उसे सुविधाजनक लगता है, ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, डेफिनेशन भले याद रहे ना रहे, ये तो सिर्फ ये होता है कि आप मीनिंग अच्छे से समझ पाओ, लेकिन ये डेफिनेशन याद करनी है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 40 ऑफ IPC में बोला है कि एन ऑफेंस डिनोटिंग अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड के अनुसार पनिशेबल है, उन सभी चीजों को हम ऑफेंस कंसिडर कर क्राइम कंसिडर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड एक क्राइम क्या है, एज एन अनलॉफुल एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जो कि अनलॉफुल है, जब आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल है और डिफॉल्ट विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एंड रेंडर द पर्सन गिल्टी ऑफ द एक्ट और डिफॉल्ट लेवल टू अ लीगल पनिशमेंट, देखो कि क्राइम क्या है, एक अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, क्राइम क्या है, जब आप कोई अनलॉफुल एक्ट करते हो, ठीक है, और जो ऑफेंस किया जा रहा है, जो एक्ट किया जा रहा है वो अगेंस्ट द पब्लिक है, ठीक है, और रेंडर द पर्सन, यहाँ पर पर्सन जो गिल्टी है ना ऑफेंस करने के लिए वो लाइबल रहता है लीगल पनिशमेंट के लिए, उसको हम क्राइम कंसिडर करते हैं। अब रोल क्या रहता है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी का, तो डेवलपमेंट ऑफ क्राइम कैन बी लार्जली ड्यू टू द रोल ऑफ लॉ एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ इन द सोसाइटी, यहाँ पर बोला कि अपराध का काफी का विकास जो है वो काफी हद तक समाज के कानूनों और सरकार की भूमिका के कारण हो सकता है, जब कोई भी अपराध होता है व्हेन द पनिशमेंट व्हेन अ क्राइम टेक प्लेस
इज अ लेफ्ट ऑन द हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, जब कोई भी अपराध होता है तो सजा सरकार के हाथ पर छोड़ दी जाती है। ठीक है, वो तो सब जानते हैं। अब देखो कि कहीं कई बार ना ऐसे रेप जैसे क्राइम होते हैं, या किसी ने जो है वो बुरी तरह से हीनियस तरीके से जब मर्डर किया जाता है ना, तो कहते हैं ना कि उसको तड़फा तड़फा के मारा या उसके टुकड़े करके मारे। पहले भी था ना एक 40 टुकड़ों वाला केस था, श्रद्धा मर्डर केस, है ना। तो इस तरह से किसी ने कोई क्राइम किया है ना, तो जनता क्या कहती है कि आप जो है वो उसको कोर्ट में ना ले जाके हमारे हवाले कर दो, हम उसका हिसाब किताब कर लेंगे। और मैं कहती हूँ कि इस तरह, चलो हम लॉ स्टूडेंट हैं और वैसे भी, लेकिन कहीं कहीं हमारा जो लॉ है ना वो प्रैक्टिकली जब बात आती है उसको इन्फोर्स करने की, तो लोगों को एकदम से मतलब जल्दी जस्टिस नहीं मिलता, बहुत लेट जस्टिस मिलता है, जिस कारण हमारी गवर्नमेंट, हमारे लॉज जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं आपके रिड्यूस करने के लिए क्राइम। ठीक है, द गवर्नमेंट इज अ गाइडेड बाय द पॉलिसीज। गवर्नमेंट हमेशा ही क्या करती है, नई नई पॉलिसीज बना देती है, कई कई नए रूल बना देती है, और हैज बीन प्रोमुलगेटेड प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी और ग्रेटर गुड। ठीक है, ताकि वेलफेयर हो सके, ठीक है, पब्लिक का, इसलिए नई नई पॉलिसीज बना देते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज में कुछ ज्यादा होता नहीं है। हाँ, जब अच्छे से जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा सा स्पीडी जस्टिस मिलने लग पड़े ना सभी को, तो कोर्ट्स का काम भी बहुत अच्छा रहेगा, जनता को जल्दी से जल्दी जो है वो न्याय मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी का बहुत मेजर रोल रहता है क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, वेरी ऑफन क्राइम आर क्रिएशन ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट इन पावर फॉरबिड अ मैन। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो पॉलिसीज इसलिए बनाते हैं ताकि फॉरबिड किया जा सके। ठीक है, कि प्रोहिबिट किया जा सके एक मैन को कि आप जो है वो कोई ऐसा काम मत करो, ऐसा कोई एक्ट मत करो जो कि अगेंस्ट दैट पॉलिसीज हो। ठीक है, एंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ क्राइम डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द गिवन बाय द सोसाइटी। एलिमेंट क्या है क्राइम करने के लिए, तो बोला कि किसी भी पर्सन को जब आप कन्विक्ट करते हो, थोड़ा स्पीड से तो नहीं जा रही वैसे तो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, ठीक है, धीरे धीरे चलो। ठीक है, टू कन्विक्ट अ पर्सन, बोला कि जब भी आप किसी पर्सन को कन्विक्ट करते हो तो मोस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस में टू एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टू? एक तो पहला तो बोला कि एक्टस रिया होना चाहिए। पहले तो आती है कि किसी पर्सन के माइंड में बात आनी चाहिए कि मेरे को किसी का क्राइम करना है। अब देखो किसी ने अपने मन में ही सोचा और कुछ किया नहीं तो वो क्राइम थोड़ी ना होता है ना, तो उसके लिए एक्टस क्रिया भी होना चाहिए। और एक्टस रिया रेफर करता है कि फिजिकल एक्ट इन्वॉल्विंग इन कमिटिंग द ऑफेंस डिस्क्राइब बाय द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, यहाँ पर बोला कि एक्टस रिया क्या होता है, जब आप फिजिकल एक्ट करते हो उस ऑफेंस को कमिट कर रहे हो। ठीक है, कि उस एक्ट को कमिट कर रहे हो जो कि एक ऑफेंस है जो कि प्रोहिबिट बाय लॉ है, तब हम कहते हैं कि इसने क्या किया है, क्राइम किया है। मेंस रिया मींस दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अटेंड टू कमिट एन ऑफेंस ऑन नॉलेज। ठीक है, हाँ, एक्ट एक्ट भी होना जरूरी है और मेंटल मेंस रिया भी होना जरूरी है। ठीक है, क्राइम के लिए। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा जो हम जैसे कि देखते हैं कि कहाँ कहीं कहीं ना किसी की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है, तो वहां उन केसेस में आपका जो मंसरिया है या नहीं है, लेकिन आपने यदि कोई एक्ट कर दिया है ना तो आपको पनिशमेंट मतलब तब आप जो है वो लाइबल रहते ही रहते हैं वो, लेकिन वो ज्यादातर सिविल नेचर के केसेस में सिविल केसेस में होता है। लेकिन जब हम क्राइम की बात करते हैं तो एक्टस रिया और मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, चाहे एक्टस रिया मतलब फिजिकल एक्ट, मेंस रिया मतलब मेंटल कंडीशन मतलब उसकी इंटेंशन, दूसरे पर्सन को नॉलेज था कि मेरे ऐसा एक्ट करने से क्या हो जाएगा, उस पर्सन को चोट आई जाएगी, उस पर्सन को कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी। ठीक है, मेंस रिया मीन दैट एक्यूज्ड, हाँ, एक्टस रिया और मेंस रिया बिल्कुल दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो और मेंस रिया क्या होता है, इंटेंशन ऑफ पर्सन होती है कि एक पर्सन की इंटेंशन थी
क्राइम को कमिट करने की, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट को करने की। क्रिमिनल एक्ट का क्या मतलब होता है? मीन टू डू समथिंग रॉन्ग, कि आप जब कुछ करते हो, एक्ट किया जाना मतलब आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, और जो आप कार्य कर रहे हो वो क्या है? समथिंग रॉन्ग है, गलत है। एंड न्यू और शुड हैव फोर्सिंग द रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। और कहीं ना कहीं आप जो है वो ये जानते थे कि इस एक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, किसी दूसरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इंटेंट इज नॉट द सेम एज मोटिव, ठीक है। अ मोटिव कैन बी अंडरस्टूड एज अ रीजन दैट अ पर्सन कमिट अ क्राइम, व्हाइल इंटेंट रेफर द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड एंड विलिंगनेस टू ब्रेक द लॉ, ठीक है, कि एक पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए कि उसको क्या करना है, उसको कोई क्राइम करना है, और जो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि उसको वहां के जो लैंड लॉ है उसको ब्रेक करना है, मतलब जहां वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या है क्रिमिनल लाइबिलिटी के? तो क्रिमिनल लाइबिलिटी कंसीडर की जाती है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मर, यहां पर बोला कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है ना, क्रिमिनल लाइबिलिटी मीन आपराधिक दायित्व, तो आपराधिक दायित्व को समाज के द्वारा दी गई मजबूत औपचारिक निंदा जो है वो माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधी को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए जो है वो सजा देकर उसकी सामान्य स्वतंत्रता से जो वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। विच मे रिजल्ट डिप्राइवेशन ऑफ ऑर्डिनरी लिबर्टीज, की आप जो है वो उसको स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हो। तो ऑफेंडर बाय सेंटेंसिंग, किस तरह से उसको पनिशमेंट देके, ठीक है, कि आपने उस पर्सन ने कोई एक्ट किया है और लॉ के द्वारा उसको पनिशमेंट दी जा रही है, तब हम कहते हैं कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती थी, क्योंकि उसने क्राइम कमिट किया है, उसने जो एक्ट किया था वो क्राइम था, इसके लिए उसको क्या मिली? पनिशमेंट मिली। और क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन बी असेस्ड अंडर रेंज ऑफ ऑफेंसेस, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है जो कि अपराध की सीमा के अंदर आती है, और द स्कोप ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, कंडीशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है, ये सब मतलब ये सिंपल इतना मतलब समझ के लो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है। एक पर्सन जब कोई ऑफेंस कर रहा है, जब भी कोई एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ऑफेंस नहीं, उसने कोई एक्ट किया, सिंपल उसने कोई कार्य किया, और वो कार्य क्या था? अगेंस्ट द लॉ था, ठीक है, प्रोहिबिट बाय लॉ था, और जिससे क्या हुआ? उस लॉ के द्वारा जो है वो आपको पनिशमेंट मिली, वो होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। द फाइव मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल फेस ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी, कौन कौन से फाइव हैं? तो यहाँ पर बोला कि एक्टस रिया होना चाहिए, मीन गिल्टी एक्ट होना चाहिए, आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड है गिल्टी माइंड होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंस, ठीक है। यहाँ पर बोला कि द प्रिंसिपल इन विच इट इज प्रिज्यूम्ड, ठीक है, जिसमें एक ऐसा प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें प्रिज्यूम किया जाता है दैट अ गिल्टी मेंटल स्टेट, ठीक है, जिसमें किसी पर्सन की गिल्टी मेंटल स्टेट को प्रिज्यूम किया जाता है, और गिल्टी एक्ट को भी ऑकर साइमल्टेनियसली और टुगेदर। प्रिंसिपल मस्ट बी यूज्ड टू प्रूव ऑलमोस्ट ऑल क्राइम, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो सिद्धांत है उनका प्रयोग क्या होना चाहिए? उपयोग जो सख्त दयता वाले मामले के अपवाद के साथ जो है वो लगभग सभी अपराधों को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। उस प्रिंसिपल का जो आप यूज कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रूव करना चाहते हो कि ऑल क्राइम विद द एक्सेप्शन ऑफ सच केसेस विद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। और फिर है कि ठीक है, यहाँ पर फाइव क्रिमिनल फाइव फंडामेंटल बताए थे ना क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो बोला एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, ये बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंस का क्या मतलब देखा कि ऐसा प्रिंसिपल जिसमें आप कि इन विच प्रिज्यूम, इसमें हम प्रिज्यूम करते हैं कि गिल्टी जो मेंटल स्टेट थी और गिल्टी जो एक्ट था वो साइमल्टेनियसली एक्ट, मतलब जहां पर एक साथ कार्य किया जाता है, मतलब एक पर्सन जब काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है जिसमें उसकी एक्टस रिया भी थी, मतलब उसने कोई एक्ट किया और वो एक्ट करने के लिए उसकी इंटेंशन भी थी, जैसे उसको पता था कि मेरे ऐसा एक्ट करने से किसी पर्सन को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोले जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है मस्ट बी यूज किया जाता है प्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल क्राइम,
विद एक्सेप्शन ऑफ केसेस विद स्टिक्लेबिलिटी। यहाँ पर बोला कि ये जो सिद्धांत है उसका प्रयोग सख्त दयिता वाले मतलब स्टिक्लेबिलिटी वाले मामलों के अपवाद के साथ लगभग, ठीक है, इसके साथ साथ लगभग सभी अपराधों को साबित करने के लिए किया जाता है कि यदि किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है तो उसका गिल्टी इंटेंशन भी था और गिल्टी एक्ट भी था कि उसने एक्ट भी किया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सुएशन क्या मतलब होता है इसका? द प्रिंसिपल दैट लिंक द गिल्टी पर्सन कंडक्ट, कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो जो कि लिंक करता है गिल्टी पर्सन के कंडक्ट से। कंडक्ट मतलब एक व्यक्ति का आचरण कैसा था। एंड एंड रिजल्ट क्या है, मतलब जिसका देखो कि कोई पर्सन ना हैबिटुअली ऑफेंडर है, मतलब वो पर्सन उसको आदत पड़ चुकी है कि वो बार बार चोरी करता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि लिंक करता है किसी गिल्टी पर्सन के कंडक्ट से और जिसका एंड रिजल्ट क्या था कि दैट इज अ क्राइम, ठीक है। एंड रिजल्ट मतलब उस जो कि बार बार चोरी करता था उसका नेचर ऐसा था। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि कल शाम को आपको पता चला कि उसने जो है वो चोरी कर दी, ठीक है। तो बोले एंड रिजल्ट जो भी होगा वो क्या होगा, क्राइम होगा। ये जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पर? लीगल मैक्सिम। ये मैक्सिम याद रखनी है, नुल्ला पोइना, ठीक है, और साइन लीगे, ठीक है, और नुल्ला पोइना साइन लीगे, ठीक है। इस मैक्सिम पर आधारित है। इसमें इसका मतलब क्या है कि नो क्राइम विदाउट लॉ। यदि देखो इसका क्या मतलब है कि नो क्राइम विदाउट लॉ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि अभी अभी कोई लॉ बना, ठीक है। देखो 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 कोई एग्जाम्पल लेते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले जब ये 2013 का ये सॉरी 1997 का ये केस है, सेक्सुअल हरासमेंट एट पब्लिक प्लेस जो एक्ट है, ठीक है, वो है कितने का? 2013 का, ठीक है, यदि मैं गलत नहीं कह रही हूं तो, ठीक है, तो 2013 का। तो इस 1997 से पहले इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं था। उसके बाद केस के आने के बाद विशाखा गाइडलाइन दी गई थी, तब कोर्ट ने जो है वो एक डायरेक्शन दी थी, वो सभी इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल थी, ठीक है। उसके बाद मौत के बाद हमने काफी ज्यादा लेट देखो कि लगभग 16 साल बाद जो है वो हमने ये लॉ बनाया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला। तो इससे पहले, अब इससे पहले आपको पता है कि कोई लॉ था नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यदि कहीं महिला काम करने के लिए जाती भी थी तो उससे की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का लॉ नहीं था। तो उस टाइम जो है हम इसको क्राइम भी नहीं कहते थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि नो क्राइम विदाउट अ लॉ, जब तक लॉ नहीं है तब तक वो क्राइम नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज मान लो कि आज एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई पर से चोरी करना है, और चोरी करना हमारे देश में कोई अपराध नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो आज जो है वो ये क्राइम नहीं होगा, लेकिन कल को ऐसा होगा। जैसे कि अब बात करें कि कल को ऐसा हो जाता है कि कोई लॉ आ जाए, ठीक है, जिसमें चोरी करना अपराध है, ठीक है, तब हम उसको क्राइम कहेंगे। मतलब कि नो क्राइम विदाउट लॉ, ठीक है, विच मीन दैट अ क्राइम कैन नॉट बी पनिश, मतलब एक पर्सन को दैट अ मैन, एक पर्सन जो है उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है, उस एक्ट को करने के लिए जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सिंपल प्रिमाइसेस है कि नो मैन कैन ओनली बी पनिश फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज ओन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ प्रिंसिपल है, फिफ्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिजल्टिंग हार्म। कि बोला कि दिस इज द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट अ पर्सन कैन ओनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एक पर्सन तभी रिस्पॉन्सिबल होता है जब एक्चुअली में रिजल्ट हो, ठीक है। एक पर्सन तभी देखो कि किसी हाँ लॉ की नजर में जो काम गलत हो वही क्राइम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एट प्रेजेंट टाइम में जो हमारे जैसे कि अभी बात करें ना, इंडिया में हम बात करें तो कुछ कौन कौन से, जैसे कि अब बात करें कि हमारे इंडिया में कि जितने भी अभी हमें ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी आपको क्राइम देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी तो
आपके क्राइम नहीं भी होंगे उसके बाद लॉ बनाया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आप देखो कि अभी तक हमारे इंडिया में मैरिटल रेप जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं, मतलब उसको जो है उससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना है। कल को वो लॉ बन जाता है तो वो भी क्राइम बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिजल्टिंग हार्म, कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एक पर्सन जब रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है जब एक्चुअल रिजल्ट हो। अब देखो कि आपके माइंड में बात आई कि यहाँ पर दीप माला जी के मन में बात आई कि रेखा जी बहुत बढ़ती है ना, क्लास में बहुत बातें करती हैं और मेरे को मजाक कर रही हूँ ऐसे, रेखा दीप माला जी रेखा जी ठीक है, लेकिन मेरे को ना अब उसको अच्छे से जो है सबक सिखाना है। सबक सिखाने का क्या मतलब है कि मेरे को उसको अच्छे से जो है वो डंडे से पिटाई करनी है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक वाली। तो उसके मन में आया, उसने कुछ ऐसा किया नहीं तब वो क्राइम नहीं होगा। एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, हार्म करना होना चाहिए, मतलब एक्टस होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए क्राइम का, डू नॉट नॉट फॉर द प्रिजम्पशन। ठीक है, आप प्रिज्यूम कर रहे हो ठीक है या अजम्पशन लगा रहे हो तो ये आपका अगेंस्ट द लॉ नहीं है और ये आपका क्राइम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ना कंप्लीट। प्रहत की दीज फेस फेसेस आर एज असर्टेन और ड्रॉन फ्रॉम अ लीगल मैक्सिम एक्टिस नॉन फिसिक ने शीमेन सेक्ट्रिया। ठीक है, बहुत अच्छी और कई बार आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी मैक्सिम है ये और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जब कोई इंसान जो रियल में वो क्राइम करता है वो नहीं सिर्फ सोच लिया इसने किया होगा। हाँ, मन में कितनी भी गालियां दे दो किसको किसी को कोई नो क्राइम। हाँ, और अपने घर में बैठकर भी किसी को बुरा भला कह दो वो भी क्राइम नहीं है। कभी आप गुस्सा है ना तो वैसे कहते हैं ना कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, कोई कुछ कह दे। अब अपने अपनी नेचर की बात होती है कि कोई कुछ कह दे तो सहन नहीं होता, लेकिन अपने घर में अपने हाँ, प्लानिंग करना नॉट क्राइम, एक्चुअल क्राइम होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस मैक्सिम को याद रख लीजिएगा, एक्टस नॉट फेसिट मेंस इट रिया। ठीक है, निसी मेंस इट रिया, इसका मतलब विच इज लिटरली मीन एक्ट इटसेल्फ नॉट गिल्टी अनलेस अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन, कि जब तक, हाँ जी रेखा जी, जब तक वो ना हो। ठीक है, देखो ये मैक्सिम है याद रखनी है आपको। ठीक है, ये वही बात आ गई ना ब्रजेश जी, मॉरलिटी वाली, लेकिन अब देखो ना कि सब ह्यूमन नेचर है। ठीक है, और ऐसा होता है सबके साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, अब देखो कि कोई इंसान ना किसी को कुछ बोले ना तो उससे बड़ी बात ही क्या हो जाएगी, है ना, आपके मन में भी नहीं सोच रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है तो क्या जिंदगी होगी ना। किसी के मन में मतलब हर किसी इंसान को ना वैसे वैसा ही होना चाहिए एज प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है। अब अपने अपना ह्यूमन नेचर की बात होती है कि कोई किसी को ना कोई किसी का सुन लेता है तो भी कुछ नहीं बोलता और कोई किसी से सुना भी नहीं जाता, है ना। हाँ हाँ रेखा जी, कोई नहीं सोचता कि मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि हाँ साधु संत जो है वो कम सबको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है गाली देने से। अच्छा, हाँ होता तो ऐसे ही है, एक्ट डज नॉट विजिट मंजेत्री। हाँ ये पढ़ो, ठीक हो, ठीक है ये पढ़ो, आप बस करो। ठीक है, यहाँ पर बोला कि एक्ट इज नॉट फिसेट मेंसेट रिया। ठीक है, जब ऐसा होता तो लॉ की जरूरत नहीं होती। हाँ यही तो ब्रिजेश जी ने पहले ही कहा था कि यदि इंसान मोरलिटी के अगेंस्ट जाके काम ना करे, मोरलिटी के साथ मॉरल होकर काम करे तो क्राइम होंगे ही नहीं। कुछ एक क्राइम मतलब कुछ एक लोग लोग हैं जो मोरलिटी के खिलाफ जाएंगे, तब
भी ज्यादा, अभी भी तो देखो कि एट प्रेजेंट में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन ब्रजेश जी ने पहले ही कहा था कि हर कोई इंसान मॉरलिटी के सही तरीके से सही चलने की कोशिश करे तो क्राइम नहीं होगा, है ना। चलो इस मैगजीन को देखना, एक्टर्स नॉन फिसेट निशी मिनसेट रिया, बहुत अच्छा मूड कर देते हो ऐसे आप लोग, है ना, कि किसी का मन भी ना हो क्लास लगाने का फिर भी इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है चलो, तो बोला कि एक्ट इटसेल्फ इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंशन। यही बात हमने क्या बोला था कि एक्टर्स रिया हो गया, मेंस रिया नहीं है तो वो आपका क्राइम नहीं होगा, कि एक क्राइम को करने के लिए, एक्ट को करने के लिए, ठीक है, एक पर्सन जो कि उसकी गिल्टी एक्ट, तो मतलब उसने कोई एक्ट किया विदाउट गिल्टी इंटेंशन तो वो आपका क्राइम नहीं है। ठीक है, एन एक्ट इटसेल्फ नॉट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंशन। ठीक है, कि कार्य स्वयं दोषी नहीं जब तक कि दोषी इरादे से ना किया जाए। ठीक है, मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी फिर भी आपसे वो एक्ट हो गया, उसको हम क्राइम नहीं कहेंगे। ऑल क्राइम एक्ट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल रॉन्ग रॉन्ग एक्ट विच आर इंटेंशनली डन बाय अ गिल्टी पर्सन। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जब हम क्राइम उसी को कहते हैं जो कि आपका रॉन्ग एक्ट हो और जिस इंटेंशन से किया जाए, ठीक है, जो कि गिल्टी इंटेंशन से किया जाए उसे हम क्राइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर गिल्टी इंटेंशन नहीं होती तो वहां पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं होता। यहाँ इस मैक्सिम का क्या मतलब है, एक्टर्स नॉन फिसिट रिम मेंस निशी मेंसिट ट्रिया। ठीक है, इसका मतलब है कि द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंट। ठीक है, एक एक्ट जो है वो आपका कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्ट कर रहा है विदाउट गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, तो वो क्राइम नहीं होगा। गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है किसी भी एक्ट, मतलब क्राइम को होने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑफेंस को होने के लिए। इट इज टू बी नोटेड दैट मेंस रिया इंक्लूड द मेंटल एलिमेंट, हमने पहली बार डिस्कस कर लिया, काफी ज्यादा सालों से हम आईपीसी को पढ़ रहे हैं ना, तब से हमने लॉ करी है, तब से हमने आईपीसी को ही पढ़ा है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे BLLB में लगा दी थी और कुछ एक सेक्शन ही हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाए थे, ज्यादा तो उन्होंने डिटेल में बताया नहीं था, और लॉ के एंडेड नाते तक जो है वो हमने उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो कुछ एक सेक्शन ही मर्डर का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का, कुछ एक सेक्शन ही जो है वो हमें समझ में आए थे अच्छे से, लेकिन ये है कि इजी है, ठीक है, मजा आता है इसको पढ़ने से, तो ज्यादा टफ लगा नहीं, है ना। हाँ यही दीप माला जी मैं कह रही हूँ। ठीक है, ब्रजेश जी कुमार जी, गिल्टी माइंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं हुआ चेंज, अभी होगा। ठीक है, अभी तो बिल पेश हुआ है, आप देखो कि अभी तक आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, 1 ईयर में या जब तक फाइनल उसको असेंट नहीं मिल जाती प्रेसिडेंट की, तब तक ठीक है, तब तक जो है वो हर एक एग्जाम में, चाहे आप जुडिशरी का दे रहे हो, चाहे आप नेट का दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहे हो, ठीक है, नेट में तो वैसे भी लॉ ऑफ क्राइम है, आईपीसी नहीं है, लेकिन कुछ एक प्रोविजन या सेक्शन वगैरह चेंज होंगे तो वो होंगे। ठीक है, तो और अभी के लिए या आप जो नेक्स्ट वाला एग्जाम होगा उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे कुछ टाइम तक, जब तक हो सकता है, आप देखो कि लॉ बनने के लिए टाइम तो लगता है ना, अभी तो चलो उन्होंने बिल पेश किया है तो वो एक सदन में पास होगा, दूसरे सदन में पास होगा, फाइनल असेंट मिलेगी, तो उसको बनने के लिए लगभग आपका 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, उसके बाद भी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी हर एक एग्जाम के लिए अलग से। जब आप किसी भी जुडिशरी का एग्जाम फिल करते हैं ना, ठीक है, जुडिशरी का एग्जाम फिल करते हैं तो प्रॉपर आपका बहुत अच्छा सिलेबस आता है उसके साथ, जब सिलेबस में लिखा होगा, ठीक है, कि आपको कौन सा क्रिमिनल लॉ पढ़ना है तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बात के लिए टेंशन मत लो कि अभी से चेंज हो गया, जब चेंज होगा फाइनल असेंट उसको मिलेगी तब पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, मत लो टेंशन, सब कुछ करवा देंगे आपको। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट मेंस रिया, हम जानते हैं मेंटल एलिमेंट होता है, एक्टर्स रिया क्या होता है, आपका फिजिकल एक्ट होता है, ठीक है, एक्शनेबल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम एंड द एक्शन
विच मस्ट बी इलीगल, जो एक्शन एक्ट एक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, इलीगल इन नेचर होना चाहिए और शुड हैव कॉज अनड्यू हार्म, और जिसके एक्ट के होने से क्या हो, किसी ना किसी दूसरे पर्सन को हार्म होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी होने चाहिए, मतलब किसी दूसरे पर्सन को का फिजिकल और फिजिकली उसकी ह्यूमन बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों ही। जो उल्ट पुल्ट हुआ है ना, वैसे तो चलो प्रोविजन यही भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हाँ ये था कि चलो इनको पूरा एक्ट बदलने की जरूरत नहीं थी, अमेंडमेंट बीच बीच में लाते रहते तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सख्त जो सेक्शन नंबर है वो ऊपर नीचे होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपमाला जी, ठीक है। मैंने तो सारे सेक्शन लिख के याद किए हैं, ये वाले की अगले वाले कर लिए अभी तक इसको ही देखो आप, ठीक है, अभी तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका निकल जाएगा इस बार, फिर नेक्स्ट के लिए भी यही चलेगा, जो नेक्स्ट आने वाले जो जितने स्टूडेंट होंगे नेक्स्ट बैच में, ठीक है, तो इस अभी तक मत लो टेंशन आप, ठीक है, ये वाला ही चलेगा, ठीक है, चलो। तो समझ आ गया ना लास्ट कंपोनेंट क्या रहता है क्राइम का, इंक्लूड इंजरी होनी चाहिए, ठीक है, हर्ट होना चाहिए किसी को, और डैमेज टू द माइंड होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, रेपुटेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन होना चाहिए और सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, और बोले इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मेंसरिया इज नॉट इक्विवेलेंट टू मोटिव, कि यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेंसरिया क्या हो। अरे न्यू वाले मत याद करना, हाँ, अभी मत करना न्यू वाले, ऐसे ही रेखा जी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अभी मत करना ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो अभी आपको जो आपने पढ़ा है उसी को याद रखो, बार बार उसको देखोगे, यदि आपके पास है भी मतलब ऑनलाइन भी है कुछ मटेरियल, नए वाले जो पेश किया उन्होंने बिल, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा है कि जो पहले पढ़ा है ना पहले उसको देख लो, उससे एग्जाम निकल जाने वाला है, तो फिर नेक्स्ट जब भी होगा आप देखो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे कहीं भी कॉलेज में जॉब करोगे, ऑटोमेटिकली आपको खुद को खुद आ जाएगा वो, मत लो टेंशन इसकी, जब पढ़ाने लगते हो ना तो अपनी आप चीजें जो है वो एट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो मेंसरिया इम्प्लाइज अ मेंटल स्टेट, मेंसरिया जो है वो मोटिव नहीं होता है, मोटिव कुछ अलग चीज होती है, मेंसरिया होती है सिर्फ आपकी इंटेंशन, ठीक है, एक मेंटल स्टेट, ठीक है, इन विच द पर्सन इंटेंशियल, जिसमें पर्सन इंटेंशियली चूज करता है, ठीक है, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, और इंटेंशियली जो चूज करता है उसको वो नॉलेज है कि ये एक्ट जो है वो वायलेशन कर रहा है लॉ की, लेकिन फिर भी वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, गिल्टी इंटेंशन जिसे कहते हैं, ठीक है, मोटिव रेफर करता है रीजन बिहाइंड व्हाई अ सर्टन प्रोहिबिटेड एक्ट इज परफॉर्म, कि आपका मेंसरिया क्या होता है, देखो मेंसरिया क्या होता है, मेंटल स्टेट, ठीक है, जिसमें आपकी इंटेंशन होती है, ठीक है, इंटेंशन होती है कि उस आपको वॉयलेट करना है लॉ, लेकिन मोटिव क्या होता है, मोटिव एक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है कि आपको इस एक्ट को परफॉर्म करना है तो करना है, क्यों करना है, कोई ना कोई रीजन है आपके पास, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, आप लीगली तौर पर नहीं कमा पा रहे, लीगली यही बन रहा है जी महीने का 8-10 हजार बन रहा है ना, तो आप जो है चोरी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको पैसा कमाना है, तो रीजन होना चाहिए, ये होता है मोटिव, ठीक है, मोटिव आपका रेफर करता है रीजन बिहाइंड व्हाई अ सर्टन एक्ट प्रोहिबिटेड इज परफॉर्म, ठीक है। और एक केस है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एलिमेंट ऑफ मेंसरिया मस्ट बी रीड इनटू द पेनल प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यू अनलेस द स्टैट्यू इज एक्सप्रेसली बार्ड, यहां पर बोला इस केस में कि मेंसरिया जो एलिमेंट ऑफ मेंसरिया है ना, ठीक है, मस्ट बी रीड इनटू द पेनल प्रोविजन, जो मेंसरिया के तत्व है जो कि कानूनी कानून के दंड के प्रावधानों में जो है इसको पढ़ा जाना चाहिए, जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से इसे प्रतिबंधित ना कर दे, ठीक है, उसको जो है वो वैसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो कि पेनल प्रोविजन में दिया गया है, हेंस इट एब्सोल्युटली विटल टू कंसीडर अ गिल्टी माइंड ऑफ द ऑफेंडर व्हेन असेसिंग द क्राइम, ठीक है, और इसे प्रतिबंधित इसलिए अपराध का आकलन करते समय अपराधी के दोषी दिमाग पर विचार करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है,
इस केस में ये बोला था कि जब भी आप अपराध को कंसीडर करोगे कि उस पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो आपको गिल्टी माइंड देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत नेसेसरी है कि आपको ये देखना है उस पर्सन की ये अपराध करने की इंटेंशन थी या नहीं थी। इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर है आपका एक्सेप्शंस क्या है आपके वंशिया की, तो सिंस इंटेंशन फॉर्म इन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी। यहाँ पर बोला है चूंकि हम बात करें कि सिर्फ इंटेंशन होना, ठीक है, इंटेंशन होना ही क्रिमिनल लाइबिलिटी का निर्धारण करने में इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, इसलिए जो है वो अधिकांश देशों में ने ये घोषणा की है कि किसी भी व्यक्ति का पागलपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उसे उत्तरदायी या दंडित होने से छूट दी जा सकती है। मतलब यहाँ पर बोला कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है कि जो इंसैनिटी ऑफ अ पर्सन होता है ना, जब पर्सन की दिमागी हालत खराब हो जाती है, ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच ही और शी जो है वो एग्जेम्प्टेड किया गया है कि उसको जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द इंसैनिटी इज अ मेंटल डिसीज, और माना जाता है कि इंसैनिटी क्या है, एक मेंटल डिसीज है, और डिफेक्ट व्हिच कॉज अ पर्सन टू हैव डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ रियलिटी और एंड वेयर ही और शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। एक्सेप्शंस क्या है, मेंस रिया, देखो कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये समझ लो, ठीक है। नहीं, क्राइम मोटिव क्या होता है, रीजन, कि क्या कुछ रीजन है। अब देखो कि किसी हस्बैंड है ना, अपनी उसकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चला हुआ, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो उसको पता चल गया, उसका मोटिव है, ठीक है, मोटिव है कि मेरे को उसकी डेथ करनी है, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा किया था, रीजन है उसके पास, तो रीजन बताता है आपका मोटिव। इंटेंशन होती है कि उसको उसको मारना, ठीक है, उसका मेंटल एलिमेंट, मेंटल कंडीशन उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि हमने बात करी थी, ठीक है, कि चोरी की, चोरी किसी पर्सन को पैसा कमाना है, ठीक है, उससे लीगली नहीं कमाया जा रहा है, वो इलीगली सोच रहा है, इलीगली में पैसा एकदम से बन जाता है, चलो कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी को लूटना है ना, तो जल्दी पैसे आ जाएंगे। अब कौन महीना भर लगा रहे 8-10 हज़ार रुपए के पीछे, कौन जो है वो इतनी मेहनत करता रहे, है ना, तो इसलिए जो उसका मोटिव क्या है, पैसे कमाना, ठीक है, मोटिव क्या है, पैसे कमाना, तो मोटिव होगा नहीं, मोटिव होना जो है वो आपका असेंशियल नहीं है क्राइम करने के लिए। देखो कि यहाँ पर मैंने कहा कि मेंस रिया एम्प्लाइज अ मेंटल स्टेट और विच अ पर्सन इंटेंशनली चूज, जिसमें पर्सन जो है वो इंटेंशनली चूज करता है कि वो एक्ट करेगा, ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि उसको एक्ट करना है, मतलब वो एक्ट करना है जो कि वॉयलेट द लॉ है, ठीक है, जो वॉयलेट मतलब किसी भी एक्ट को करने की इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन हो। मोटिव जो है वो रेफर करता है रीजन, ठीक है, रीजन बिहाइंड वाई अ सर्टन एक्ट प्रोहिबिटेड इज परफॉर्म, ठीक है, कि क्यों उसको ये एक्ट परफॉर्म करना है जो कि आपका प्रोहिबिटेड है। तो मेंस रिया जो है वो इक्वलेंट नहीं होता मोटिव के, और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मोटिव को बाद में देखते हैं। नो क्राइम क्राइम के लिए मोटिव होना आवश्यक, हाँ यही तो मैं बता रही हूँ कि मेंस रिया जो है वो होना जरूरी है, मोटिव होना जरूरी नहीं है। आपको क्या देखना है, सिर्फ एक्टर्स रिया देखना है प्लस आपका मेंस रिया देखना है, ठीक है, मेंस रिया काफी इंपॉर्टेंट है, मोटिव नहीं है, ठीक है, इंटेंशन देखा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, अब इंटेंशन, एक पागल व्यक्ति की भी तो इंटेंशन होती है ना, क्या और इंटेंशन होती है, उसके माइंड में भी तो आ सकता है कि मेरे को किसी का, जैसे कि वो पर्सन है, वो देखो कि किसी की पर्सन की दिमागी हालत खराब हो जाती है ना, तो उसके माइंड में बहुत कुछ आता होगा, है ना, उसको ऐसे लगता होगा कि मैं एक छोटा साल का बच्चा हूँ और मेरे को वो चॉकलेट नहीं दे रहा है, उस वो अंकल मेरे को जो है वो ये चॉकलेट नहीं दे रहा है, ये खिलौना नहीं दे रहा, तो होता है ना कि इंसेनिटी के केस में, ठीक है, उसको समझने की, सूझबूझ करने की जो है वो शक्ति नहीं होती, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या कुछ राइट है क्या रॉन्ग है। तो इन सभी देखे, तो ये एक्सेप्शन इसलिए बोला गया कि कब कब जो है वो मेंटल कंडीशन के लिए हम उसको पनिशमेंट नहीं देते, ठीक
है, कौन से ऐसे केसेस हैं यदि किसी की मेंटल कंडीशन भी खराब है, मतलब किसी की इंटेंशन है भी ठीक है, तब भी हम जो है उसको लाइबल नहीं ठहराते। तो यहाँ पर बोला कि जब हम इंसैनिटी के केस में देखें, इंसैनिटी ऑफ पर्सन की बात करें, तो एक पर्सन जो है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम अपनी लाइबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम बीइंग हेल्ड लाइबल टू पनिशमेंट, ठीक है। जैसे कोई बच्चा रोटी, जैसे कोई बच्चा रोटी चुरा ले, भूख लगी है उसको। मैं समझी नहीं रेखा जी। हाँ देखो कि यहाँ पर हमने बात करी कि एक्सेप्शन क्या दी गई है, कि मेंसरिया क्या होता है, इंटेंशन, इंटेंशन होती है, तो इंटेंशन तो किसी की भी हो सकती है ना, पागल व्यक्ति की भी हो सकती है। तो यहाँ पर बोला है कि वो पर्सन, यदि कोई ऐसा पर्सन है, यदि वो ऐसा काम कर भी देता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके माइंड में यदि, या इंटेंशन क्या होती है कि उसके माइंड में वो चीज आए, ठीक है, तो उसके माइंड में ये चीज आई कि मेरे को उसको उसने खिलौना समझ के किसी को शूट कर दिया, तो उसके लिए उसको जो है वो, ठीक है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला कि उन सभी को जो कि इन आपके इन एक ऐसा पर्सन है जो कि इनसेन पर्सन है, कि उस पर्सन को इंसैनिटी ऑफ अ पर्सन है, मतलब इनसेन पर्सन है, तो वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होता पनिशमेंट के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि मेंटल डिसीज, एक इंसेनिटी जो है वो एक मेंटल डिसीज मानी जाती है, जिसमें किसी पर्सन को रॉन्ग एंड राइट का पता नहीं चलता, ठीक है, समझ आ गया। मींस भूख लगी है, रीजन है चोरी के लिए, ठीक है, और हाँ किसी को हार्म करने का मोटिव नहीं, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, आप और आप लोग क्या समझते हो, मतलब आप लोग भी अच्छा डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे एक्सेप्शंस की। तो हमने बात करी थी कि जो इनसेन व्यक्ति हो ना, पागल व्यक्ति, बट पागल व्यक्ति का कोई इंटेंशन नहीं होता क्राइम करने के। देखो इंटेंशन ब्रिजेश जी क्या होता है, कि किसी के माइंड में आया उसकी क्या इंटेंशन है, मतलब आप क्या इंटेंशन है क्राइम करने के लिए, ये मेंसरिया होता है। अब देखो कि उसके माइंड में आया कि उसने खिलौना समझ कर उसके माइंड में आया कि उसको शूट कर देना है, तो वो क्राइम करने की इंटेंशन नहीं, लेकिन इंटेंशन तो है ना कि उसको शूट करना, मतलब उसको जो है वो, उसने भले वो खिलौना समझ के उसको उस पर जो है वो गोली चला दे। तो यहाँ पर बोले कि उस पर व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो उसको लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उस ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन को एक मेंटल डिसीज है, जिसमें उसको पता नहीं है कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, है ना, जो कर दिया, ठीक है, जो डिस्कशन आप कर रहे हो वो भी ठीक है, रेलिवेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हौच पौच आप लोग खुद कर दे रहे हो ना फिर को, ठीक है, अपने आप परेशान, मतलब अपने आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना सोचो कि मेंटल मेंसरिया क्या होता है, आपका इंटेंशन, ठीक है, मेंसरिया होता है आपका गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, और सेकेंड है आपका मोटिव, मोटिव क्या होता है, रीजन, रीजन बिहाइंड क्राइम, कि क्या रीजन था क्राइम करने के लिए, ठीक है, क्या मोटिव होता है रीजन। और आपका नेक्स्ट हमने देखा था एक्ट लिया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं फिजिकल एक्ट, जब आप करते हो फिजिकली एक्ट किया जाना चाहिए, बस ये समझ लो, बस तीन चीजें समझ ली, ठीक है। बस अब है नेक्स्ट कि अदर सिनारियो में विच अ पर्सन मे होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर बोले कि अदर सिनारियो कौन कौन से हैं जहां पर एक पर्सन होली एग्जेम्प्ट किया गया, पूरी तरह से उसको छूट दी गई है क्रिमिनल लाइबिलिटी की, व्हेन द कॉन्शियस माइंड डज नॉट कंट्रोल द बॉडली मूवमेंट और फंक्शंस व्हिच आर ऑटो मेटिज्म। यहाँ पर बोला कि हम उस पर्सन को भी, या उस पर्सन को भी हम होली एग्जेम्प्ट करते हैं जिस पर्सन का
अपने माइंड पर कंट्रोल ना हो, अपनी बॉडी के फंक्शन, मतलब जो भी बॉडी फंक्शन करती है उस पर अपना कंट्रोल ना हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए स्लीप वॉकिंग, ठीक है, एक पर्सन को स्लीप वॉकिंग की आदत है. इन सच केसेस, इन सच रेयर केसेस, द पर्सन में एक्विटेड ऑफ ऑल क्रिमिनल चार्जेस गिवन दैट देयर स्टेट ऑफ माइंड इज ट्रू बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. ठीक है, यहाँ पर बोला कि कुछ एक ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो है वो रेयर, सॉरी रेयर केसेस, रेयर केसेस आपको देखने को मिले हैं जहां पर एक पर्सन जो है उसको एक्यूट किया गया था, बरी किया गया था, क्योंकि ऑल क्रिमिनल चार्जेस जो भी उस पर लगाए गए थे वो स्टेट ऑफ माइंड को लेकर थे, जो कि प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था. ठीक है, यहाँ पर देखो कि किसी पर्सन को पता ही ना हो कि मेरा, मैं क्या काम करता हूँ. हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें मतलब वो ऐसे सिचुएशन में रहता है कि उसका ना तो अपने माइंड पर ना ही तो बॉडी मूवमेंट पर कोई कंट्रोल रहता है. ठीक है, तो उस पर्सन को भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया. जैसे कि किसी को नींद में चलने की आदत है, तो नींद में वो चलता चलता किसी को चोट पहुंचा देता है ना, कई लोगों को होता है तो चोट पहुंचा देता है, तो ना तो उसके माइंड में कोई चीज थी ना ही तो उसका खुद पर कंट्रोल था. ऐसी कंडीशन में अपराध हुआ उसके लिए जो है उसको क्षमा किया जाएगा. ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो बोले सच आम, जैसे आज मोहम्मद जी नहीं आए क्लास में ना, और कौन आया क्लास में? रेखा जी, ब्रजेश जी और दीप माला जी के अलावा ललिता जी भी हैं, बस ये चार ही हैं, अभिजीत जी भी हैं, पांच, तीन स्टूडेंट और कौन है? हाँ, दीप माला जी, आपका नाम तो लिया मैंने. सिक्जोफ्रेनिया, ठीक है, यहाँ पर बोला कि मेंटल डिसऑर्डर सच एज सिक्जोफ्रेनिया, ठीक है, या व्यामोह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डू नॉट क्लासीफाई द एग्जेम्पशन एज वॉज हेल्ड बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि वेयर इन द सेंटेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, कि कहाँ पर कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जहाँ जो कैपिटल पनिशमेंट है, जैसा कि एटकिंस और बनाम वर्सेस आपका विजेनिया के केस में जो है वो 2002 का केस था, जिसमें एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को, ठीक है, तो इसमें बोला कि कुछ एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के संबंध में मौत की सजा को असंवैधानिक बताया, कि जो विकलांग पर व्यक्ति था, जो कि आपका एक मेंटली चैलेंज पर्सन था, ठीक है, उस पर्सन को क्या बताया कि ये उसकी सजा जो कि कैपिटल पनिशमेंट उसको कोर्ट ने दे दी थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताई, क्योंकि द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ मैग्नीट्यूड और पनिशमेंट और द कैपिटल पनिशमेंट इन द केसेस विच इन द केसेस ऑफ पीपल विच विद अ मेंटल डिसऑर्डर इज सीन टू बी एक्सरसाइज इन द मोस्ट कॉमन लॉ कंट्रीज. ठीक है, तो देखो कि एक्सेप्शन हमने क्या देखी, ठीक है, एक्सेप्शन हमने देखी कि एक पर्सन, ठीक है, जिस जो कि इनसेन पर्सन है, ठीक है, इनसेन पर्सन है, उसको एग्जेम्प्ट किया है क्रिमिनल लाइबिलिटी से. सेकंड बोला कि एक ऐसा पर्सन जिसका किसके बॉडी का खुद पर कंट्रोल नहीं है, उसके बॉडी मूवमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है, उसके माइंड का उस पर कंट्रोल नहीं है, उस पर्सन को भी हमने एग्जेम्प्टेड माना. ठीक है, उस पर्सन को भी हमने क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो है वो मुक्त किया कि वो पर्सन भी आपका लाइबल नहीं है. फिर बोला कि ऐसा पर्सन कोई जो मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल है, जो कि मानसिक रूप से जो है वो एक चैलेंज व्यक्ति है, या तो वो क्या है, मतलब उसे हम विकलांग व्यक्तियों में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे पर व्यक्ति को भी जो है वो पनिशमेंट नहीं होगी. ठीक है, और फिर बोला कि इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मेंसरिया इज नॉट लुक इन टू ऑल. ठीक है, हमने बहुत बार पहले भी देखा कि हमने टॉट किया था जब फ्री क्लासेस में, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एक पर्सन की जब लाइबिलिटी बनती है इट मीन्स बनती है,
उसके लिए मेंसरिया होना बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक एम्प्लॉयर हेल्ड लाइबल होता है, एम्प्लॉइज आर इंश्योरिंग दैट यदि कोई एम्प्लॉयर मतलब किसी ने फैक्ट्री वगैरह ओपन करके रखी है और एक पर्सन को इंजरी उसके काम करने के दौरान जो है वो लग जाती है, तो जो उस फैक्ट्री का ऑनर होगा वो लाइबल होगा ही होगा, और ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मानी जाती है। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में जो है वो ठीक है, मेंसरिया को यहाँ मेंसरिया जो है कंसिडर नहीं किया जाता, भले ही आपकी मेंटल कंडीशन थी या नहीं थी फिर भी आपकी लाइबिलिटी वहां पर बनती है ठीक है। और ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया था वो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था, जहां पर डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया था और फॉर द डैमेज जो भी उसको कॉज हुई है बाय द इंजीनियर और ही हैड हायर टू बिल्ड द रिजर्वायर, जिसको कि उसने रिजर्वायर बनाने के लिए हायर किया था ठीक है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट कौन से केस में आया था, तो भोपाल ग्रैस स्ट्रेटजी के केस में आया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जहां पर ये बोला गया था कि यहाँ पर इंटेंशन बिल्कुल नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन ने कोई भले ही गिल्टी इंटेंशन से कोई एक्ट किया भी नहीं किया, लेकिन आपके फैक्ट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि किसी फैक्ट्री में कोई किसी भी पर्सन को ठीक है जो जो कि वहां वर्कर काम करते हैं उसको चोट आ गई उस फैक्ट्री में काम करते दौरान, तो उस ऑनर की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनेगी तो बनेगी ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्रोवोकेशन यूसेज ड्रग बींग्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड एक्सीडेंट और मिस्टेक आर नॉट डिफेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल लाइबिलिटी। आप ये डिफेंस नहीं लोगे कि मैंने तो चलो ड्रिंक किया था मेरे को नहीं पता चला, कुछ भी अपन डिफेंस नहीं लोगे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो है वो कोई डिफेंस होता नहीं है ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, दैट ऑफ द बार अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द एक्सपोज फैक्टो लॉ ठीक है, कि आप पहले का कोई लॉ बना था उसके लिए जो है वो ठीक है आप या आपको एट प्रेजेंट में कोई आपने ऑफेंस किया उसके लिए एक लॉ बना है, तो आपको नंबर एक जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी ठीक है। अब जो नया आप कुछ टाइम के बाद ऑफेंस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी के टाइम में कोई पर्सन अपराध करता है तो उसको आईपीसी के तहत पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कल को जब हमारे नए लॉ आ जाएंगे तो कोई पर्सन बाद में कोई ऑफेंस करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट मिलेगी ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या रहते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी को कैटेगराइज किया है थ्री टाइप में, इंडिविजुअल, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और ग्रुप लाइबिलिटी भी किसे कहते हैं ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी और आपका टू टाइप में कैटेगराइज किया है, थ्री में हाँ ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, और इसी में हम अपना पूरा टॉपिक क्लोज करेंगे ठीक है। देखो एक इंडिविजुअल का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ठीक है कि ए व्यक्ति है, इसने कोई अपराध किया, वो अकेला व्यक्ति है, यहाँ पर उसकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी ठीक है। और यहाँ ए और बी दोनों पर्सन ने कोई ऑफेंस किया ठीक है, तो ये होगी आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटी ठीक है। दोनों जितने भी पर्सन, दो या तीन पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया उसकी ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है। और थर्ड है आपका ए बी सी ठीक है और डी, ये चारों थे ऑफेंस करने के लिए। यहाँ पर एक्चुअली में जो क्राइम किया गया वो सिर्फ और सिर्फ ए के द्वारा किया गया, लेकिन बाकी जो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसको एड वगैरह कर रहे थे, वो बाकी लोग भी थे, तो उन सभी की क्या मानी जाएगी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मानी जाएगी ठीक है। तो यदि कोई इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है ठीक है, तो यदि ऑफेंस और जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी करी गई है कैन बी कमिटेड और बाय अन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ठीक है, व्हेन अन इंडिविजुअल क्राइम कमिट अ क्राइम, जब कोई इंडिविजुअल कमिट करता है क्राइम को तो ही और शी जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ कमिटेड क्राइम ठीक है। तो वो पर्सन कमिटेड क्राइम को कमिट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई होप मेरे को ऐसे लगता है कि समझ आ गया, इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला व्यक्ति ठीक है, और एक अकेला व्यक्ति ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर बोले कैन ऑफेंस जो भी किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी है जो की जा रही है, जो कमिट की जा रही है,
व्यक्ति के द्वारा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। यहाँ पर एक पर्सन अकेला अकेला जो है वो आपका क्या होता है, लाइबल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ना होते हुए अलग अलग जो है वो इंडिविजुअल माने गए। मान लीजिए दो तीन लोगों ने जो है वो साथ में क्राइम करा, फोर फ्रेंड है ठीक है, और वे जो है सेम फ्लैट में रहते हैं, स्टडी करते हैं कॉलेज में। वन डे क्या हो गया, ए बीट डी ठीक है, ए ने जो है वो डी को मारा बिकॉज सम इश्यूज बिटवीन देम, क्योंकि आप जानते हैं कि अब साथ में रहते हैं तो लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ चली रहती हैं। तो इन दिस केस ए विल बी लाइबल फॉर अनलॉफुल एक्ट बी ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो आपका लाइबल रहेगा ठीक है, किसके लिए, ए जो गैर कानूनी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, बी और सी की कोई यहाँ पर देयता नहीं होगी ठीक है। और हेंस अ केस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी ठीक है। यहाँ पर बोला कि एक पर्सन जो इंडिविजुअली जब लाइबल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी क्रिमिनल इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। अब ग्रुप लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, ज्वाइंट लाइबिलिटी का, तो जहां पर बोला कि ग्रुप लाइबिलिटी, ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी इज जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी ठीक है। एक समूह आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व के विरोधाभासी होते हैं, और इन क्राइम में तो वेयर टू और मोर पीपल आर इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या होता है ना, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं ठीक है, दो हो गए, दो से ज्यादा लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कमीशन ऑफ क्राइम करने के लिए। इन सच केसेस में ऑल पीपल सभी जो है वो लाइबल होते हैं क्राइम को कमिट करने के लिए ठीक है। यहाँ पर ए पर्सन भी लाइबल रहेगा, बी पर्सन भी लाइबल रहेगा, सी भी रहेगा। और इन ग्रुप लाइबिलिटी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन पार्टिसिपेंट, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट आर ऑल्सो काउंट। यहाँ पर बोला थ्रू द पनिशमेंट इन क्राइम कमिटेड बाय ग्रुप कैन बी सेम आर फॉर ऑल और डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर रोल ऑफ रोल इन क्राइम ठीक है। ये समझ आ गया ग्रुप और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन मान के चलो कि एक इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है और वो इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ग्रुप लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन ठीक है, जो कि दो तीन लोग मिलकर जो है वो ग्रुप में, टू और मोर पर्सन जो है वो मिलकर कोई क्राइम करते हैं, चाहे वहां पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो किसी का या नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है ठीक है, और हमारे ये भी आप चलो बाद में डिस्कस करते हो वो चीज ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन ए बी सी डी है, बी सी डी ये दिनों मिलकर कोई प्लान करते हैं ठीक है, और प्लान करते हैं कि हमको इस तरह का कोई क्राइम करना है। क्राइम स्पॉट पर कौन जाते हैं, ए और बी जाते हैं, सी और डी जो है वो वहीं रहते हैं, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो कोई ऐसा काम करे, मतलब किसी भी काम करने को काम वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन क्राइम स्पॉट पर कौन गए, ए और बी गए। तो यहाँ पर सी एंड डी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि वो इनडायरेक्ट उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, एक्चुअल स्पॉट में वो पहुंचे नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो उनका पार्टिसिपेशन था, इसलिए जो है वो उनको ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो ठहराया जाएगा ठीक है। अब बात करें मोस्ट ऑफ द प्लान और ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रुप लाइबिलिटी ठीक है। बोला कि जितने भी आप बात करो कि जो ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी के क्राइम वो होते हैं जहां पर प्लान वगैरह किया जाता है, तो और हमारे इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन जो कि रिगार्डिंग ग्रुप लाइबिलिटी हैव बीन कवर्ड अंडर ज्वाइंट लाइबिलिटी और सेवरल लाइबिलिटी में, ज्वाइंट सेवरल लाइबिलिटी ठीक है। सेवरल लाइबिलिटी क्या होती है, किसी इंडिविजुअल की लाइबिलिटी को हम सेवरल लाइबिलिटी कहते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी वो होती है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर ज्वाइंट होकर जो है वो कोई क्राइम करते हैं, चाहे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है चाहे इनडायरेक्ट है। सेक्शन 34 to 38 ऑफ आईपीसी 1860 में बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी इन कमिटिंग क्राइम। अब 34 क्या कहता है, एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि एक क्राइम जब किया जाता है वो सेवरल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है ठीक है, और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जिसमें सभी पर्सन की जितने भी आपके साथ आए हैं ना उन सभी की जो है वो कॉमन इंटेंशन है। यहाँ पर बोले कि ईच ऑफ सच पर्सन, हर एक पर्सन जो है वो आपका लाइबल रहेगा
और एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ वर डन बाय हिम और अलोन। ठीक है, तो भले ही बोले उसने उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होंगे जैसे कि एक अकेले व्यक्ति ने जो है वो काम किया, एक्ट किया। ठीक है, और याद होगा आपको एक पोस्टमास्टर केस, ठीक है, यदि यहाँ नहीं भी है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो वीरेंद्र कुमार घोष, हाँ वीरेंद्र कुमार घोष का यदि आपको केस याद है, ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार घोष के केस में क्या था ना, वो चार फ्रेंड थे। ठीक है, चार फ्रेंड थे, ए और बी और सी। मान लो ये बी क्या है, वीरेंद्र कुमार घोष है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं कि हमें पोस्ट ऑफिस जो है वो लूटना है। तो बी जो वीरेंद्र कुमार घोष है वो गेट पर खड़ा रहता है और बाकी लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं, और बाद में जो उनका लीडर होता है ये, वो पोस्टमैन को गोली लगा देता है। ठीक है, उसको बोलता है कि चलो पैसे निकालो, और वो देने से मना करता तो उसको जो है वो टपका देता था वहीं पर। ठीक है, मान लीजिए नहीं, ऐसा केस है ही रियलिटी में। वीरेंद्र कुमार घोष आपने कई बार सुना होगा, पोस्टमास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो कि ए पर्सन है, ठीक है, उसने क्या करा, उस पोस्टमैन को गोली लगा दी, मार दिया उसको। ठीक है, तो बाद में जब पुलिस ने इन सभी लोगों को पकड़ा तो सबसे पहले कौन गिरफ्त में आए, वीरेंद्र कुमार जी आए, और उसने ये बोला, ये आर्गुमेंट दिया अपना कि सर जनाब देखो कि मैंने तो कोई क्राइम किया नहीं है, देखो ये गोली जो लगाई है वो ए साहब ने लगाई है, बी सी सी और डी दोनों ही पोस्ट ऑफिस के अंदर गए थे, मेरे को तो कुछ पता नहीं था, और मैं जो हूँ वो गेट पर खड़ा रहता। ठीक है, तो ठीक है, गेट पर खड़ा था, मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं तो जिसके लिए पनिशमेंट होगी। तो आपका एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की जब बात की जाती है सेक्शन 34 की, तो सेक्शन 34 ये कहता है कि भले आपने वहां पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया था या नहीं किया था, लेकिन यदि मान लीजिए आप ए बी सी डी ये चारों ही, ये सारे चारों ही लोग जो हैं वो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो भले ही किसी ने जो है वो किसी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था या नहीं था, अब देखो तो अब भी हम क्या मानेंगे, ये सेक्शन 34 में ये बोला है, तो हम ये मानेंगे कि इन सभी ने जो है जब ज्वाइंटली कोई एक्ट किया है ना, ऐसा माना जाएगा कि ए ने भी उसका मर्डर किया, बी ने भी किया है, सी ने भी किया, डी ने भी किया, मतलब ज्वाइंटली और सेवरल पर्सन के ज्वाइंटली और सेवरल पर जब ज्वाइंटली कोई काम किया जाता है कॉमन इंटेंशन से जो है वो कोई ऑफेंस किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ऐसा माना जाएगा कि सेवरल पर्सन के द्वारा अपने अपने बिहाफ पर जो है वो क्या किया गया, क्राइम करा गया। हाँ, लास्ट में डकैती का एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर चार दोस्त होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये चारों लोग कहाँ जाते हैं, डकैती करने के लिए जाते हैं मान लीजिए। ठीक है, और मेरे को एग्जैक्ट वो आपका एग्जाम्पल याद नहीं है, लेकिन ठीक है देखो कि ये चारों लोग जाते हैं डकैती करने के लिए, ए बी को डंडा देता है, ठीक है, और ठीक है, और कहता है कि सी को बोलो कि आप क्या करो इस डी को, मतलब डी भी उनका पार्टनर है, लेकिन आप क्या करो उस पर्सन को मारो इस डंडे से, और इसने जो है वो कोई और हथियार दिया इसने, मतलब ऐसे ऐसे ये दोनों चारों ही क्या करते हैं एक्चुअली में, जो वहां उस पर्सन की जिसकी आपने डकैती करी है, जिसको आपने लूटा है, वो मान लीजिए एम कोई पर्सन है, ठीक है, तो इसको भले ही किन्होंने मारा, सी और डी ने मारा, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि जब हम सेक्शन 34 में जाते हैं तो ऐसा कंसीडर करते हैं, इसने भी ऑफेंस किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। ठीक है,
ठीक है, सेक्शन 34 में बोला है कि सेवरल पर्सन के द्वारा एक्ट किया जा रहा है जब कॉमन इंटेंशन से, तो वो सारे ही लाइबल होते हैं सेम मैनर। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि आप सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पर थी। ठीक है, और एक मिनट में थोड़े से कमेंट देख लेती हूँ। मैम एक एक सेंटेंस में बताएं, एक्सेप्शन तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो एक्सेप्शन तो होगी है लेकिन ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रेखा जी, सेक्शन 34 प्री प्लानिंग ऑफ माइंड। हाँ, प्लानिंग करके आप कुछ काम कर रहे हो और आपकी कॉमन इंटेंशन है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ठीक है, और वहां पर सेक्शन 34 में एक हर एक पर्सन को सेवरल पर्सन को हर एक सेवरल सेवरल पर्सन को ऐसा माना जाता है कि उन सभी ने मतलब सेवरल लोग मतलब अलग अलग जैसे जो है वो उसने अपराध किया है। ठीक है, और सेम मैनर में वो सारे ही लाइबल होते हैं सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए। यस मैम, डकैती का एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो डकैती के एग्जाम्पल में दिया है, बहुत अच्छा लिखा जी। ठीक है, हाँ रूल ऑफ एविडेंस बोला जाता है। चलो सेक्शन 35 क्या है, एन एक्ट विच द क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज ऑफ इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पर बोला कि इस ये जो सेक्शन 35 है इसमें ये कहा गया है कि आप एक कार्य को कर रहे हो जो कि आपराधिक ज्ञान या इरादे से किए जाने के कारण आपराधिक है। ठीक है, यहाँ पर बोला कि आप कोई एक्ट कर रहे हो जो कि क्रिमिनल है बाय रीजन से जो है वो क्रिमिनल है ऑफ इट्स बीइंग डन और क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, कि एक कार्य जो कि आपराधिक ज्ञान या इरादे से किए जाने के कारण ये आपराधिक है जो कि यहाँ पर कवर किया जाता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि क्रिमिनल नॉलेज ऑफ इंटेंशन और इंटेंशन थी आपको। ठीक है, और ठीक है, एज पर द प्रोविजन दिस सेक्शन व्हाट एवर एन एक्ट व्हिच इज ठीक है, एज पर द प्रोविजन दिस सेक्शन व्हाट एवर एन एक्ट जो भी आप एक्ट कर रहे हो ठीक है, व्हिच इज क्रिमिनल ओनली जो कि क्या होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए बाय इट्स रीजन और बीइंग और डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय द सेवरल पर्सन, जो कि डन किया जाए मतलब किया जाए जो कि ऑफेंस किया जा रहा है सेवरल पर्सन के द्वारा, कई पर्सन के द्वारा, एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा, और जिसमें ईच ऑफ सच पर्सन हर एक ईच पर्सन जो है वो आपका ज्वाइंट ज्वाइन इन एक्ट जो कि ज्वाइन करता है उस एक्ट को और उसको नॉलेज विद इस नॉलेज से और इस इंटेंशन से कि इस ये जो है वो आपका ठीक है, इस नॉलेज से और इंटेंशन से कि ये इस क्रिमिनल एक्ट के करने से किसी ना किसी दूसरे को नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनको लाइबल माना जाता है। ठीक है, और नॉलेज एंड इंटेंशन इज लाइबल फॉर एन एक्ट इन द सेम मैनर और इफ एक्ट वर डन बाय हिम अलोन और विद द नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, अब इफेक्ट कॉज बाय द पार्टी बाय एन एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, यहाँ पर बोला कि प्रभाव आंशिक रूप से अधिनियम के कारण और आंशिक रूप से चूक के कारण। ठीक है, यही तो मैंने बोला कि उसको नॉलेज होनी उसको नॉलेज थी कि मेरे ऐसा एक्ट करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, कि मेरा मेरे उसको नॉलेज थी कि मेरे इस एक्ट के कारण जो है वो किसी न किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाएगा, इसलिए जो है वो सेम मैनर में हर एक पर्सन जो है वो लेबल ठहराया जाता है। किस लिए? कि उसको नॉलेज थी और इंटेंशन थी उसकी। ठीक है, यही तो मैंने कहा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना इस इफेक्ट को खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी इफेक्ट आपका सेक्शन 36 में दिया गया है तो वैसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स और आपका कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ बोला सेक्शन 36 में, 35 में नॉलेज की बात करेगी, सेक्शन 34 में जो आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात आती है कि हर एक पर्सन ज्वाइंटली लाइबल है। अब देखो कि सेक्शन 34 जो है ना वो आपका एब्सोल्यूट या आपका अकेला एक्ट नहीं होता, हमेशा ही सेक्शन 34 के साथ जैसे कि 302
प्लस यदि दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा ऑफेंस करा गया है, 34 लगा दिया, ठीक है, थाफ्ट करी है प्लस 34 लगा दिया, ठीक है, कोई भी ऑफेंस आपने करा है, तो यहाँ पर दो से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर 34 लग जाता है, ठीक है, ये सेवरल अलग से आप 34 का सेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है, और वट एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट और बाय द एक्ट और बाय ओमिशन इज एन ऑफेंस, इट टू बी अंडरस्टूड दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन विद द सेम ऑफेंस, ठीक है, यहाँ पर बोला कि जैसे एग्जाम्पल लो कि एक इंटेंशनली कॉज करता है डेथ किसकी, जेड की, ठीक है, ए जो है वो जेड की मौत का कारण जो है वो बनता है, और पार्टली बाय इलीगली ओमिटेड टू गिव जेड फूड, ठीक है, यहाँ पर बोले कि आंशिक रूप से जेड जो है वो भोजन देने से अवैध रूप से छोड़कर, ठीक है, और आंशिक रूप से जो है वो जेड को पीट कर, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या करा कि ए जो है वो आपका इंटेंशनली क्या करना चाहता है, जेड की डेथ करना चाहता है, ठीक है, तो पहला तो उसने क्या करा ना, जेड को भोजन ही नहीं दिया ए ने, ठीक है, उसने जो है वो भोजन ही नहीं दिया, जहां पर उसकी ड्यूटी पड़ती थी उसने उसको भोजन नहीं दिया, और उसके बाद जेड की उसने अच्छे से पिटाई भी करी, जिसके कारण जेड जो है वो क्या हो गया, ए हैज कमिटेड मर्डर टू जेड, यहाँ पर जेड की मौत हो गई, तो यहाँ पर बोला इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, ठीक है, तो उस ऑफेंस में भी इस किसी पर्सन ने इस तरह का ऑफेंस किया है तो उसमें जो उसकी लाइबिलिटी बनती है, यहाँ पर आपकी पार्शली और पार्टली ओमिटेड की क्या बात करेगी, यहाँ पर एग्जाम्पल समझो कि एक पर्सन है ना कि ठीक है उसकी की ड्यूटी है, ठीक है, एक मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बावर्ची लगा हुआ है कहाँ पर, जेल में, ठीक है, जेल में जितने भी खाल लोग रहते हैं उनको खाना देता है, उसकी ड्यूटी बनती थी और उसका नाम था ए, ठीक है, जो भी भोजन देता था, दूसरा पर्सन है जेड, ठीक है, वो जो भी जेल जेल में रहता था, अब ए ने सोचा कि जेड को तो मेरे को मारना है, ठीक है, तो इसने क्या करा, उसको भोजन ही नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर उसने ओमिटेड किया, पार्शली ओमिटेड किया कि उसने भोजन ही नहीं दिया, उसकी ड्यूटी बनती थी उसने नहीं किया, ये होता ओमिटेड, और उसने किया क्या, उसकी जम के पिटाई कर दी बाद में, उसे इसके कारण उसकी डेथ हो गई, तो ए ने क्या कर दिया, यहाँ पर मर्डर कर दिया, अब है आपका कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, सेक्शन 34 में बोला कि व्हेन व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय रीजन और सेवरल एक्ट, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अभी सेक्शन 34 30 इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ये क्या करवा रही हूं मैं, ये करवा रही हूं मैं आपका लाइबिलिटी वाला टॉपिक, ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला टॉपिक, तो उसमें ये सेक्शन आए हैं और मैंने इसमें ऐड किए, अदरवाइज हम सेक्शन 34 35 को बाद में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो लोग आप लोग, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, मैं 34 का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, सेक्शन 34 34 34 34 का एग्जाम्पल मैं बोला कि आपने कोई एक्ट किया, एन एक्ट जो कि कमिट किया जाता है बाय रीजन, ठीक है, बाय रीजन और इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज, यहाँ पर ए ने जेड को जैसे कि खाना नहीं दिया एग्जाम्पल, ठीक है, उसने ओमिट किया, ठीक है, उसने उसको फूड नहीं दिया, किस रीजन से, इस नॉलेज उसको नॉलेज था कि मैं इसको कमरे के अंदर बंद रखूंगा, ठीक है, कि सेक्शन 34 में सुनो सुनो, सेक्शन 34 में जब मुझे पता होता है कि ये गलत है, हाँ क्रिमिनल नॉलेज होता है, सुनो ए को पता है, नॉलेज है कि वो उसको फूड नहीं देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अब कोई इंसान कितना ही भूखा प्यासा जो है जिंदा रह सकता है ना, भूख के बिना फिर भी जिंदा रह सकता, प्यास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन उसने क्या करा, इस ना उसको पानी दिया ना उसको भोजन दिया, इसके लिए उसने क्या करा, इसको बंद कमरे में बंद, मतलब कमरे में जो बंद कर दिया और बहुत दिनों तक उसको बंद रखा, ठीक है, जिसके कारण जेड की यहाँ पर मौत हो गई,
अब एक तो नॉलेज था ना कि मेरा ऐसा एक्ट करने से उसकी डेथ हो जाएगी, तभी तो उसने किया है ना। तो इस बारे में बात करता है कि 34 डेथ भी जो है वो नॉलेज की बात होती, कि उस पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज था, उसको पता था कि मेरे ऐसा एक्ट करने से क्या हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, 36 हमने देख लिया, 37 है कोऑपरेशन। देखो सेक्शन 35 का एग्जाम्पल हमने देख लिया, सेक्शन 35 में जब मुझे पता होता है कि ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पहले ही से ही नॉलेज है बट फिर भी करती हूँ। हाँ पहले से ही नॉलेज है लेकिन फिर भी करती हूँ, पहले मान लो कि जैसे कोई गाड़ी को लेकर, ठीक है, कि कोई गाड़ी को लेकर गया है हाँ किसी क्राइम को करने के लिए, और मैं उनके साथ हूँ बट मुझे ये नहीं पता है कि क्या ये क्या कर रहा है, तो और मैं बाहर ही उनका वेट कर रहा रही हूँ, और 34 लो जैसे कि कोई मेरी गाड़ी को लेकर गया है और किसी क्राइम को करने के लिए, और मैं उनके साथ हूँ बट मुझे ये नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, और मैं बाहर ही उनका वेट कर रही हूँ। अरे अच्छा, एक ही एग्जाम्पल है देखो, कि यदि आपको नहीं पता है ठीक है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी रेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको नॉलेज नहीं है और आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, नहीं। बोला कि पहले से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो मैं भी लाइबल हूं उस क्राइम के लिए ना। रेखा जी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। देखो आपने यहां पर बोला कि मान लो 34 में कि जैसे कि कोई मेरी गाड़ी को लेकर गया है ठीक है किसी क्राइम को करने के लिए, और मैं उनके साथ हूं बट मुझे ये नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लेबिलिटी नहीं होगी, इंटेंशन होनी चाहिए, पहले से आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। सेक्शन 34 ये कहता है व्हेन पर्सन जॉइंटली और सेवरली लाइबल, जहां पर ठीक है यहाँ सॉरी व्हेन सेक्शन 34 कहता है कि एक्ट जो किया जाए सेवरल पर्सन के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन बहुत जरूरी है, और ज्वाइंट आपकी इंटेंशन जो है वो टू और मोर पर्सन की ज्वाइंटली होनी चाहिए, सेम इंटेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये एग्जाम्पल जो है वो गलत दे दिया है। यहाँ यदि आपको पता नहीं है, एक तो उस ऑफेंस को करने के लिए ही टू या मोर पर्सन चाहिए ठीक है, तभी आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटी बनेगी, एंड सेकेंड थिंग कि दोनों को ही नॉलेज होना चाहिए, दोनों की क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए थी, दोनों पर्सन ने पहले से कुछ सोचा होगा कि हमें क्राइम करना है ठीक है, तो दोनों पर्सन की क्या होनी चाहिए थी, क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए थी, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए थी, कॉमन इंटेंशन ठीक है। तब हम यहां पर ये सिर्फ सेक्शन 34 ये बोलता है कि आप सेवरल पर्सन जितने भी पर्सन है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ठीक है, जब आपको नॉलेज ही नहीं था और ना ही इंटेंशन थी तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। हाँ हाँ रेखा जी कि मैम पता है बट मैंने किया नहीं, सिर्फ उनके साथ हूँ। देखो मैंने किया नहीं बट मैं उसके साथ हूँ, तो मैं तभी लायबल होंगी जब मेरे को नॉलेज है कि ये पर्सन ये एक्ट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई पर्सन मर्डर करने के लिए जा रहा है, आप भी साथ में जा रहे हैं, आपको नहीं पता है ठीक है, और गाड़ी वो पार्किंग में लगाकर आपको कहता है कि चलो यहाँ आप वेट करो, हो सकता है अंदर जाके वो किसी का मर्डर करके आए, तो उसके लिए आपकी लाइबिलिटी थोड़ी ना बनेगी, जाना ही तो सेक्शन 34 लगेगा। सेक्शन 34 तभी लगता है जब टू या मोर पर्सन होते हैं और उनकी कोई ना कोई कॉमन इंटेंशन होती है, आप जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ रेखा जी और वो पर्सन ठीक है, दोनों पर्सन क्या करते हैं घर में प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, आपका किसी पर्सन का मर्डर करना है, तो यहाँ पर रेखा जी और वो दूसरा पर्सन कोई भी है ठीक है, तो ये कहते हैं कि चलो मैं क्या करूंगा, आप क्या करना कि सीधे जाना, आप जैसे ही मैं मर्डर बाहर करके बाहर निकलूंगा
आप मेरे को पिक करना और मेरे को घर ले आना, ठीक है, या तो हम कहीं दूर चले जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। तो इस केस में पर्सन जो है वो लाइबल रहेगा, सेवरल पर्सन ऐसा कंसिडर किया जाएगा कोई उस पर्सन ने कोई ऑफेंस जो है वो वैसे ही किया है। ठीक है, अब समझ आ गया मैम। जैसे कोई वॉचमैन, उसको ये पता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब पहुंचे आप। जैसे कि वॉचमैन है, उसको पता है कि अंदर गलत हो रहा है, ठीक है, और उसकी साथ में कॉमन इंटेंशन भी है, तो लाइबल होगा। बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ गया ना, अब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस की बात करी, सेक्शन 37 में बोला कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ द सेवरल एक्ट, यदि ऑफेंस जो कमिट किया जा रहा है मींस ऑफ द सेवरल एक्ट, एंड हाउएवर द इंटेंशनली कॉपरेट, यहाँ पर बोला कि जो इंटेंशनली कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इन द कमीशन ऑफ क्राइम, यहाँ चाहे साइनिंग करके, चाहे आइदर ज्वाइंटली या किसी भी एक्ट की करके, मतलब कोई भी एक्ट करके, और एनी अदर पर्सन कमिट द ऑफेंस, जब दोनों पर्सन क्या करते हैं, कमिट करते हैं ऑफेंस को, तो वो पर्सन जो है वो सेवरल एक्ट को कमिट करते हैं और डू करते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है, वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑफेंस हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉपरेशन की बात करेंगे, यहाँ पर ए और बी एग्री होते हैं कि उसको मर्डर करना है, किसका, जेड का, बाय सेवरली, ठीक है, अलग अलग तरीके से करना है एंड डिफरेंट टाइम में करना है। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, कि एग्जाम्पल समझिएगा कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही एग्री होते हैं कि उसको मर्डर करना है जेड का बाय सेवरली, और एट द डिफरेंट टाइम गिविंग हिम अ स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। ठीक है, यहाँ पर बोला कि हम क्या करेंगे, ए और बी अलग अलग से अलग अलग समय में जेड को जो है जहर की खुराक देकर जो है वो मारना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कुछ कुछ टाइम पर, देखो एकदम से जहर नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा डोज जो है दे रहे हैं, ए अलग दे रहा है बी अलग दे रहा है, तो यहाँ पर ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कि उन दोनों के बीच में जो है वो समझौता हुआ था कि हम उसको जहर दे के मार देंगे, देन ए जो मर जाता है विद फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सेवरल डोजेस ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम, और हियर ए, यहाँ पर ए और बी दोनों की ही ज्वाइंट इंटेंशन थी, इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं वो एक दूसरे को, तभी उन्होंने डिसाइड करा था कि कुछ डोज तुम देते रहना, कुछ डोज मैं देता रहूंगा, और धीरे धीरे जो है इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये दोनों पर्सन, बोथ पर्सन गिल्टी होंगे उस ऑफेंस को, ऐसा माना जाएगा कि उन पर्सन ने सेपरेटली कोई एक्ट किया है, सेपरेट सेपरेट करके कोई ऑफेंस किया। अब है पर्सन कंसर्न इन अ क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी इन अ डिफरेंट ऑफेंस, सेक्शन 38 में बोला कि अब वेयर अ पर्सन, ठीक है, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, और दे मे बी गिल्टी एंड गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ द एक्ट। ठीक है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो बोले पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, एक पर्सन जो कंसर्न करता है, मतलब क्रिमिनल अभी एक्ट करता है, बाय मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस करने में जो है वो गिल्टी रहता है। सेक्शन 38 में बोला कि वेयर द सेवरल पर्सन, अलग अलग पर्सन जो एंगेज होते हैं कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्राइम एंड दे मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंस, ठीक है, तो वो गिल्टी होते हैं डिफरेंट ऑफेंस करने के लिए बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए अटैक करता है जेड पर अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है, कि ए ने अटैक किया जेड पर, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहां पर ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब किसी को उकसाया जा रहा था कि आप क्या करो, जेड को किल कर दो, किलिंग ऑफ जेड वुड ओनली बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो यहाँ पर जो जेड को उसने मारा है, ठीक है, तो यहाँ वो मर्डर ना होकर एक क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, और बी हैव इल विल टुवर्ड जेड, ठीक है, और बी ने जो उसने किसी ने उकसाया था, ठीक है, उसकी इल विल थी, उसकी इंटेंशन थी, मतलब वो उसकी दुर्भावना, उसके प्रति दुर्भावना थी, बी जेड के प्रति दुर्भावना रखता था,
और उसे मारने का इरादा रखता था, और उसी के उकसावे में आकर जो है वो जेड को मारने के लिए ए की सहायता जो है वो करता। हालांकि ए और बी दोनों ही जेड की मौत का कारण बनने में लगे हुए हैं, क्योंकि बी ने तो हत्या करी है, अब तो वो प्रैक्टिकली और एक्चुअली में उसमें हत्या करी है, लेकिन ए केवल जो है वो बैड इंटेंशन के लिए हत्या का दोषी है। ठीक है, अब आपका है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। शुक्र है कि हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। चलो, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, टाइम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम मैं ये सोच रही थी कि हमने बहुत डिस्कशन कर दिया और पता नहीं खत्म होगा या नहीं होगा, लेकिन हो गया। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इज क्वाइट सिमिलर ग्रुप लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी। बोला कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है ना, सिमिलर रहती है। ठीक है, वैसे ही ना देख लिया करेंगे कि जब हमारी दो दो क्लासेस होंगी, ठीक है, और अलग से भी आपकी जो वो क्लास होगी, या ठीक है तो बहुत ज्यादा हैवी लोड हो जाए तो संडे को फ्री रख लिया करेंगे, है ना, क्योंकि एक दिन होना चाहिए, क्योंकि कितने दिनों से हम कितनी कितनी क्लासेस लगा रहे हैं ना। चलो सोचेंगे। वैसे तो अक्टूबर में आपने मेहनत कर ली, नवंबर में आपकी जो है वो 6 डेज ही क्लास हुआ करेगी, और सिर्फ वन क्लास। आज तो कम डिस्कशन हुआ मैम। हाँ तो आज तो कम, अच्छा आज कम डिस्कशन हुआ। हाँ ठीक है, चलो तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बोले क्वाइट सिमिलर रहती है टू द ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी, तो इट इज बेस्ड ऑन, बस ये है कि क्लासेस आपकी जितनी मर्जी हो, आप स्टूडेंट जब जब आपको क्लास में बुलाया जाएगा तब तक आप आएंगे। ठीक है, ठीक है, Section 38 को हम क्या बोल सकते हैं, जब सेवरल पर्सन एंगेज होते हैं किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, ठीक है, और वहां पर वो गिल्टी रहते हैं डिफरेंट ऑफेंस करने के लिए, मींस ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन भी थी कल मैम। नहीं, अच्छा आप नहीं आएंगी, ठीक है, चलो अब कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा, ठीक है, फिर अब जो है वो इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिस्कशन हम कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इज क्वाइट सिमिलर टू द ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बोला कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या रहती है, कि सेम रहती है ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी की तरह सिमिलर रहती है। ये बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल दैट पर्सन इज लाइबल इन लॉ फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट ऑफ अनदर, इवन थ्रो ही हैज नॉट डन इट हिमसेल्फ, ठीक है, मेनी ऑफ टाइम में। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति कानून में, ठीक है, दूसरे के कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आपने देखा, जैसे हम वाइकेरियस लाइबिलिटी देखते हैं ना कि एक पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होता है, वैसे ही बोला कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के केसेस में ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के कार्य के परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है, भले ही उसने इसे स्वयं किया हो या नहीं। कई बार पाया गया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक साधन था, जबकि वास्तविक और प्रमुख अपराधी एक और व्यक्ति था, और उकसाने वाला व्यक्ति जो है मतलब जो कि उकसा रहा है, ठीक है, जो कि आपका उकसा रहा है, कंस्ट्रक्टिव लेवल जो उसकी कहां पर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनती है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का एक आदर्श उदाहरण है। देखो यहां पर हमने क्या देखा था कि एक पर्सन जो है वो, लास्ट सेक्शन में भी हमने ये बात करी थी कि एक पर्सन ए जो है ना जेड पर अटैक करता है। ठीक है, यहां पर बोला कि ए जो है वो जेड पर अटैक करता है, ठीक है, और यहाँ उकसाया किसने था, बी ने, यानी कि मान लीजिए कि इसकी कोई, हमने लास्ट इसमें क्या देखा था, ए की भी यहाँ पर इंटेंशन थी और बी की भी थी, लेकिन मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है, ए की कोई इंटेंशन यहाँ पर मारने की नहीं थी, लेकिन बी ने उसको उकसाया,
कि तेरी फैमिली के बारे में ये पर्टिकुलर बात बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ठीक है, जिसके कारण ए ने जो है वो इस पर जो है वो कोई फिजिकल इंजरी उसको कर दी, ठीक है, जिसके कारण जो है उसकी या तो डेथ ही होगी। तो अब ये पर्सन तो इतना ज्यादा उसकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, भले ही ये तो ठीक है, लेकिन इस बी ने जो उसको उकसाया तो यहां पर बोला कि अ केस ऑफ अबटमेंट, जब किसी को उकसाते हो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का, ठीक है, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, भले ही, ठीक है, भले ही वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, ठीक है। अब एक को क्या पता था कि उसने मेरे बारे में, उसके ने मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला है या नहीं बोला, ठीक है, इसने उसको उकसाया और इससे अपराध करा दिया, क्योंकि यहां पर इंटेंशन किसकी थी, मारने की, बी की थी, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, और ज्वाइंट लाइबिलिटी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर ए पर्सन तो ये तो लाइबल होगा ही होगा, ये भी होगा, ठीक है, दोनों ही लाइबल रहेंगे। एक केस है अलाउद्दीन मियाँ वर्सेस आपका स्टेट ऑफ बिहार, केस एक्सप्लेन, इस केस में एक्सप्लेन किया गया था इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इस सेक्शन में, ये सेक्शन क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी एंड मेक्स एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पर बोला कि ये जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है, कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 147, ये एक क्या है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को बताता है। यहाँ पर जितने भी लोग उस अनलॉफुल असेंबली, हमने अनलॉफुल असेंबली अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है ना, जब फाइव और मोर पर्सन कुछ एक अनलॉफुल एक्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। तो बोला कि अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर होते हैं वो कंस्ट्रक्टिवली लाइबल माने जाते हैं, और लाइबल होते हैं उस ऑफेंस को करने के लिए, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोर्स ऑफ ऑकरेंस में, और प्रोवाइडेड दैट द सेम वाज कमिटेड, और ऐसा माना जाता है कि ठीक है, यहाँ पर बोला कि कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर वो सारे मेंबर जितने भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे वो ये जानते थे, ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसको नॉलेज थी, देन असेंबली न्यू टू बी द लाइकली टू बी कमिटेड, कि वो क्या एक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जब सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिवली लाइबल होते हैं, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट केस है रामा पासी वर्सेस एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 149 प्रिस्क्राइब फॉर द वेरियस और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी फॉर ऑल मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। यहां पर बोला सेक्शन 149 एक गैर कानूनी सभा के सभी, मतलब अनलॉफुल असेंबली के सभी जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो आपके कंस्ट्रक्टिवली लाइबल जो है वो होते हैं, ठीक है, देख जो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी उनकी बनती है जितने भी मेंबर अनलॉफुल असेंबली के हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहीं कंफ्यूजन होगी तो बता दीजिएगा साथ साथ में। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर, यदि अब देखो कि अनलॉफुल असेंबली में, यदि अब देख 5 से ज्यादा लोग ना इकट्ठे हुए थे किसी भी काम को करने के लिए, और वो काम क्या था आपका, अगेंस्ट द लॉ था, मतलब अनलॉफुल असेंबली उन्होंने बनाई थी, भले ही बीच में से किसी एक पर्सन ने क्या कर दिया, अपने पास वेपन रखा होगा, उसने दूसरे पर्सन को शूट कर दिया, बाकी लोगों को तो पता नहीं भी होगा, लेकिन उसको ये पता है कि किस पर्पस से हमने ये अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करी है। अब उनको नहीं पता होगा कि एकदम से ये शूट कर देगा, लेकिन फिर भी ये लाइबल माने जाएंगे, उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। और इस केस में यही बोला गया था कि वेयर ऑफेंस कमिट किया जाता है चाहे एनी मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ असेंबली के जितने भी मेंबर हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि इन सभी ने जो है वो आपका क्राइम कमिट किया है, और प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि उन्होंने कमिट किया है क्राइम, ठीक है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब लास्ट है मोर ओवर अ पर्सन मे बी कंस्ट्रक्टिवली लाइबल फॉर एन ऑफेंस अंडर द फॉलोइंग आईपीसी। यहां पर बोला कि कौन कौन सी आईपीसी में कौन कौन सी सेक्शंस हैं जो कि एक ऑफेंस को कंस्ट्रक्टिवली रूप से जो है वो उत्तरदायी यहाँ पर बताते हैं कि एक पर्सन जो है कंस्ट्रक्टिवली लाइबल कब रहता है।
अब सेक्शन 34 में भी आपको सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन देखने को मिलती है, तो हर एक पर्सन जो है वो आपका ज्वाइंटली भी और कंस्ट्रक्टिवली का लाइबल रहता है, ठीक है। चाहे आप बोलो कि एक पोस्टमैन के केस में क्या था कि एक ए उसका वीरेंद्र कुमार घोष का फ्रेंड था, उसने पोस्ट मास्टर को शूट किया था, उसने दूसरे पर्सन ने वीरेंद्र कुमार घोष ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है उसकी लाइबिलिटी बनी, ठीक है। अब है सेक्शन 121A, यहाँ पर बोला बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, कि जब आप कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रच रहे थे, भले ही आपने एक्चुअल एक्ट नहीं भी किया, लेकिन जब आप षड्यंत्र रच रहे थे तो उसके लिए जो है वो आप लाइबल रहेंगे। सेक्शन 141 में बोला अनलॉफुल असेंबली, मेंबर ऑफ होते हैं ना जितने भी मेंबर होते हैं अनलॉफुल असेंबली के, ठीक है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि ये जो मेंबर है ना अनलॉफुल असेंबली के, इनको नॉलेज है कि हम जो भी जो इस असेंबली को क्रिएट करने के लिए क्या कुछ उनका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में उसको नॉलेज है, ठीक है। तो वो बोले इट इंक्लूड टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोग्रेस टू, ठीक है, बाय द क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, और टू टेक एनी पर्सन और प्रॉपर्टी इन पोजिशन एंड कंपेल्ड एनी पर्सन टू डू और वट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, ठीक है। यहाँ पर बोला कि कानून के निष्पादन या किसी भी कानूनी प्रगति का विरोध करना, प्राधिक ताकतों को वश में करना और प्राधिक फोर्स जैसे कि क्रिमिनल फोर्स का प्रदर्शन करना कि आप कोई भी क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो, या तो कोई शरारत आप कर रहे हो, आपराधिक अतिचार आप कर रहे हो, या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में आप जो है वो कब्जा कर रहे हो, या किसी भी व्यक्ति को वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब उकसा रहे हो, तो ये सब यहाँ पर सभी पर्सन जितने भी वे एक्ट कर रहे हैं ना, चाहे आप अवैध कर रहे हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से जैसे भी तरीके से, तो यहाँ पर सारे के सारे पर्सन जो है वो लाइबल होते हैं जब भी बात आएगी, ठीक है, कि ठीक है वो सारे के सारे पर्सन जो है वो आपके लाइबल होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने ऑफेंस किया है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के लिए ये लाइबल नहीं होते। यदि किसी पर्सन ने कोई अकेले सिंगल कोई सी पर्सन ने क्रिमिनल फोर्स यूज करी है, मिसचीफ यूज करा है, ट्रेसपास किया है, या प्रॉपर्टी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई ऑफेंस करा है, ठीक है, पोजेशन लिया है किसी ने फोर्सफुली, तो वो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के अंदर जो है वो आपके लाइबल नहीं। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के अंदर जब आपको लाइबिलिटी की बात देखी जाए तो बोला कि हमेशा ही आप ये देखोगे कि पहले तो बोला कि जैसे कि ज्वाइंट लाइबिलिटी में ना टू और मोर पर्सन होने चाहिए, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी तब बनेगी जब उनके द्वारा जो एक्ट किया गया है, ठीक है, कि इट हैज बीन फाउंड दैट पर्सन जो कमिट कर रहा है क्राइम को, ठीक है, वॉज अ जस्ट इंस्ट्रूमेंट और वाइल एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफेंडर वॉज अनदर पर्सन, जहां पर कोई अनदर पर्सन जो है वो एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफेंडर था, तो ये जैसे कि केस ऑफ अबेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो अबेटमेंट का और ठीक है अबेटमेंट का ऑफेंस है, तो ये सब जो है वो आपके क्रिमिनल कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में आते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि कहीं कोई डाउट जल्दी से बताना है, ठीक है, 2 मिनट रह गए, और नहीं है डाउट तो फिर क्लास को लॉज करते हैं। देखो हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल हम बहुत अच्छे से समझ गए कि वन पर्सन जो है वो लाइबल होता है। अब ज्वाइंट लाइबिलिटी के हमने सेक्शन 34 वगैरह सब देख लिए, ठीक है। ठीक है, ज्वाइंट लाइबिलिटी का मतलब जहां पर टू और मोर पर्सन जो है वो मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है, मिलकर कोई ऑफेंस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, ठीक है, कि उनको नॉलेज है कि मेरा ऐसा एक्ट करने से जो है वो क्या हो जाएगा, किसी दूसरे को नुकसान हो जाएगा, तो वो ज्वाइंटली लाइबल रहते हैं।
कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में भी क्या होता है, ये सिमिलर रहती है ज्वाइंट लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लाइबिलिटी सिमिलर रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है ना, जो एक्चुअली में ऑफेंस करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, एक्चुअली में जो ऑफेंस करने वाला व्यक्ति है ना, वो कोई और है, साथ ही साथ या तो वो ज्वाइंटली दूसरे पर्सन को भी उकसा, जैसे अबेटमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में किसी दूसरे पर्सन की इच्छा थी कि इस पर्सन की डेथ हो जाए, वो किसी को उकसा रहा है ताकि ये दोनों जाए के अच्छे से लड़ाई करें और इसकी जो है वो डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इस तरह की लाइबिलिटी रहती है। और क्राइम के एसेंशियल्स बताएं तो क्राइम के मेनली टू एसेंशियल होते हैं क्राइम को करने के लिए, मेंस रिया और आपका एक्टस रिया। इसके अलावा यदि हम इन जर्नल में या तो हम बहुत डिटेल में देखें, पहले तो जनरल जो प्रिंसिपल रहते हैं वो ये दोनों ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, ठीक है, और इंजरी होनी चाहिए, ठीक है, इंजरी होनी चाहिए, मतलब आपके ऐसा एक्ट करने से किसी ने किसी को कोई नुकसान, ठीक है। तो ये थे आपके क्राइम के एसेंशियल, इसका पीडीएफ आज मिल जाएगा, ठीक है, इस अभी नहीं करूंगी तो शाम तक कर दूंगी अपलोड, ठीक है, मतलब आप लोग टेंशन, ठीक है, ठीक है। अभी क्लास को ऑफ करते हैं, अब किसी का कोई डाउट, ठीक है, ललिता जी, ब्रजेश जी और रेखा जी, दीपमाला जी, अभिजीत जी, आपने क्या कहा, अभिजीत जी, और फॉर एन आई टॉपिक नो सिंगल केस वॉज डिस्कस, इट्स इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली ना वो सारे एक्ट थे और उसमें हमने इसलिए केसेस नहीं लिखे, वैसे तो वहाँ बिल्कुल उनका कितना ही रहता कि कहीं दो क्वेश्चन पूछ लिए, तीन क्वेश्चन कर पूछ लिए, लेकिन आपको करवाना जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत दो दो तीन तीन क्लासेस, मतलब तीन तीन दिन में जो है कम्प्लीट किए हैं, ठीक है, थीके? लेकिन वैसे सेक्शन नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, केसेस हम करने लगते तो एक एक केस में बहुत टाइम लग जाता, लेकिन उसको मैं एमसीक्यू में कवर करूंगी जो भी इम्पोर्टेंट केसेस आएंगे तो, ठीक है। अदरवाइज हम बात करें तो वो एक्ट है, और एक्ट जो जैसे कि एक यूनिट में छोटे छोटे एक्ट जो बनाए गए हैं, तो वो इसका यही इस पर्पज से बनाए गए हैं कि आपको इस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्या कुछ प्रोविजन, ठीक है। कंपनी लॉ की पीवाईक्यू दे दीजिए मैम, ठीक है दीपमाला जी, ठीक है, और ठीक है फिर करते हैं अपनी क्लास को ऑफ, ठीक है, चलो। ऑडियो वीडियो तो मैंने पूछा ही नहीं था आज, ठीक रहा, अब तो मैंने आज खुद भी चेक नहीं किया था, ओके ओके।